mm <laughs> राइट ओ हेलो एवरीवन तो आज नवरात्र भी स्टार्ट हो चुके हैं तो so, आप लोगों के एग्ज़ाम्स यू you नो know, बहुत ही शुभ समय में संपन्न हो रहे हैं तो चैट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए आज की हम क्लास जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं दैट इज़ यू नो वन शॉट रिविजन ऑफ यूनिट नंबर फोर तो जल्दी से चैट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा है ना और मैं भी एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ जय माता दी लिखते हुए उसके बाद अपने क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं जय माता दी चलिए तो चैट बॉक्स जो है भर जाना चाहिए जय माता दी से राइट तो हेलो एवरी वन वेलकम टू द गेट वे क्लासेस तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे तो so, अभी तक आप लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये चार एग्जाम्स हो चुके हैं तो so, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा जल्दी से यू नो जय माता दी से आपने चैट बॉक्स को जो है भर दिया है बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार एक बार मुझे अपने जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ना अभी अपने जो एग्जाम्स हुए हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िजिक्स एंड केमिस्ट्री इसके थोड़े से हालचाल बता दीजिए किसका कैसा एग्ज़ाम हुआ है है ना यू नो ए बी ई एस ए बी ई एस से कौन है भाई अपने अपने कॉलेज का नाम भी अगर अटेंडेंस देना चाहें तो दे सकते हैं क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं कल आपका एग्जाम नहीं तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा सब हो जाएगा पहले से ऑलरेडी आप लोगों ने मैकेनिकल में एकदम जो है uh, मतलब बढ़िया से जो तो फोड़ रखा है मैकेनिकल को तो कोई दिक्कत है नहीं फुल कॉन्फिडेंस में आप लोग हैं है ना वन शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी आपको दे रखे हैं पूरे पूरे लेक्चर डिटेल लेक्चर भी आप लोगों ने देख रखे हैं ना एप्लीकेशन और यूट्यूब में तो टेंशन नहीं लेने के दो मिनट के बाद अपने क्लास को हम स्टार्ट करेंगे है ना एक बार बस मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हुए हैं यू नो इलेक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अभिषेक सर ने बिमल सर ने जो आपको पढ़ाया है क्या डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन मिले हैं आप लोगों को येस और नो बहुत बढ़िया है ना आई प्रयागराज ओके okay. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम मजा आया कि नहीं पेपर देने में और लोकेंद्र सर ने जो इलेक्ट्रिकल में आपको पढ़ाया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भेजे थे मैंने एप्लीकेशन में भी व्हाट्सएप में भी शेयर किए थे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आपको मिल गए है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यही रहा एकदम लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे पी एस के तो बहुत सारे बच्चे हैं हर एक कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने जो सपोर्ट किया है जो इस बार प्यार दिखाया है मतलब एक गजब की एनर्जी और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही यू you नो know, शानदार तरीके से हम स्टार्टिंग करेंगे उसकी और छोटा सेमेस्टर होता है आप सभी जानते हैं और सेमेस्टर थोड़ा सा लेंदी हो गया है जो आपका इवन सेमेस्टर आएगा बहुत छोटा होगा है ना तो उसको बहुत ही हम लॉन्च करने वाले हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में है ना सभी कोर्सेस जो है और आप लोग भी जो है स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस बार ठीक है तो एक बात में शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि अभी तक जो आपके एग्जाम्स हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने वहां पे देखा कि जो हमारे पेपर्स अभी तक आए हैं ना ये इजी टू मॉडरेट हैं मतलब बहुत ही आसान तरीके के पेपर आए हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आगे के पेपर एक्चुअली कई स्टूडेंट्स जो है आ, उनकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत आसान आ रहे हैं एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक सारे पेपर ना हो जाएं अपनी तैयारी को जो है बिल्कुल ढील मत दीजिएगा बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिएगा एक्चुअली मैं बताता हूँ होता क्या है कि एक सेमेस्टर में मान लीजिए एक यू नो पांच सब्जेक्ट हैं आप लोगों के तो होता क्या है ना कई बार चार सब्जेक्ट यू नो ईजी आ जाएंगे और एक सब्जेक्ट टफ आ जाएगा तो ये जो अभी पेपर हुए हैं ना दो दो पेपर हुए हैं आप लोगों के अगर हम देखें तो एक, एक फिजिक्स

प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे है ना तो लाइव का फील लेना बुलसन सर के साथ चलिए हंड्रेड प्लस स्टूडेंट्स लाइव हो चुके हैं ए के लखनऊ क्या लिखना चाह रहे बीबीडी लखनऊ ओके के आई टी कानपुर बहुत ही शानदार जबरदस्त बहुत बढ़िया बंसल लखनऊ बहुत सही गुड ए के लखनऊ बी एस ए मथुरा ओके बहुत बढ़िया और बताओ भाई जल्दी से फिर क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हो सकता है कि आपने ये पहले भी देख रखी होंगी हमारी क्लासेस तो बिल्कुल टेंशन मत लेना अभी एक घंटा हमारे साथ जुड़ना इस क्लास में आपके पंद्रह से बीस नंबर पक्के होने वाले हैं पंद्रह से बीस नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और बहुत ही यू you नो know, आसान भाषा में पढ़ते हैं हम लोग नोट्स की जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल रहती है है ना तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर हो चला है ना कॉन्फिडेंस आपका एकदम हाई होने वाला है चलिए स्टार्ट करें फिर क्लास को के कानपुर ओके ए आई एम टी लखनऊ बहुत बढ़िया ये जीएल बजाज वाले कहाँ गए जीएल बजाज वालों के साथ और पी एस आई टी कानपुर वालों के साथ सुना है कि भाई थोड़ा सा धोखा हुआ है कुछ बच्चों को एडमिट कार्ड ही नहीं मिले हैं ऐसा मेरे को सुनने में आया है तो जे पी आई ई टी मेरठ ओके राइट के आई टी वाराणसी चलो चलिए तो फिर स्टार्ट करें क्लास को यस और नो बताइए एक बार यस लिख दीजिएगा क्लास स्टार्ट करी जाए क्लास गलगोटिया यस गलगोटिया वाले भी आ गए हैं है ना गलगोटिया के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जे जी के जीएल बजाज बहुत सही चलो स्टार्ट कर दे रहे हैं अपनी क्लास को उसके बाद चैटबॉक्स पढ़ेंगे अभी पांच सात मिनट के बाद ठीक है फ्यूचर बरेली ओके फ्यूचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर हैं आई प्रयागराज ओके अलाहाबाद से हैं आप बहुत बढ़िया आशुतोष क्रिएशन आई गोरखपुर दिलसाद अहमद के एस सी ई एम बिजनौर अच्छा बिजनौर में भी ये कॉलेज है क्या ये क्या किस नाम से है भाई बिजनौर में ये hmm. अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेन्स, ओके okay, चलो अभी पाँच दस मिनट के बाद एक बार फिर से हम चैट बॉक्स देखेंगे आप लोगों का है ना? ये स्क्रीन पे क्या हो गया भाई एक सेकेंड रुकना भाई एक बार चैट बॉक्स में बताना कि लाइव चल रहे हैं हम लोग अभी भी, right. चलिए तो ऑलरेडी अपलोड you know, uh, कर चुका हूं, राइट right, चलो तो एक बार जरा सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं सिलेबस देख लेते हैं है ना सिलेबस को देख करके हम आगे पढ़ेंगे तो सिलेबस पर अगर आप देखेंगे एक बार तो सबसे पहले हमको पढ़ना होता है यहाँ पर फ्लूड की प्रॉपर्टीज अब फ्लुइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सी हैं? फ्लूड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन सिलेबस देखना जरूरी है कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना उसमें डालते हैं यूट्यूब में द तो फ्लूड प्रॉपर्टीज अब उसमें बहुत सारी फ्लूड प्रॉपर्टीज आ जाती है और वो सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने लग जाते हैं इसलिए सिलेबस को देखकर ही हमने पढ़ाई करनी है

जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक कि भाई हाइड्रोलिक टर्बाइन क्या होते हैं हाइड्रोलिक टर्बाइन में दो टर्बाइन आपको पढ़ने हैं यू नो पेल्टन टर्बाइन या पेल्टन व्हील कह सकते हैं दूसरा है यहां पे हमारा फ्रांसिस टर्बाइन ठीक है और उसके बाद टर्बाइन की तरह हम पढ़ेंगे पंप के बारे में और पंप भी आपको दो टाइप के पढ़ने होते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप लास्ट में हम देख रहे होंगे यहाँ पे तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं और एप्लीकेशन में तो ऑलरेडी सारे नोट्स पड़े हुए हैं और एप्लीकेशन के अंदर भी मैंने जो है नोट्स को अनलॉक कर दिया है ठीक है ना तो एक्चुअली होता क्या है कि मैं जो भी ग्रुप बनाता हूँ वो चार पांच दिन में फुल हो जाता है ना कई सारे ग्रुप बने हुए हैं फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि ग्रुप की जो कैपेसिटी कम होती है आई थिंक सिक्स फिफ्टी के आसपास है उसके बाद हमने कम्युनिटी एक बनाई उसमें भी दो हजार ही स्टूडेंट्स एड हो पाए अब तीन चार दिन से वो भी फुल दिखा रहा है इसके अलावा अगर कुछ ऑप्शन हो अ व्हाट्सअप में जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा हो तो भले ही वो पेड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा मैं एक्चुअली ज्यादा इसमें टेक्निकल बहुत ज़्यादा नहीं हूँ ठीक है ना तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार इंडिविजुअली मैसेज करते हैं परेशान होते हैं तो गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए वहां पर मैंने सारे नोट्स अनलॉक कर दिए हैं जब तक आपका एग्जाम होगा ठीक है चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे इसकी कि हमारा जो फ्लूड के अंदर हम लोग यू नो किस तरह से आगे बढ़ रहे होंगे कि पहले हम बात कर रहे होंगे जो मैटर है कोई भी मैटर आप देखते हैं इस ब्रह्मांड में जो भी मैटर है या तो वो सॉलिड स्टेट में होता है या लिक्विड स्टेट में होता है या फिर वो गैस स्टेट में होता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट में अब ये जो लिक्विड एंड स्टेट होती है इसी को हम फ्लूड की कैटेगरी में रखते हैं लिक्विड एंड गैस जो है यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है तो मैटर एग्जिस्ट आइदर इन सॉलिड स्टेट और फ्लूड स्टेट अब ये जो फ्लूड स्टेट होती है दैट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक चीज यहां पर इस डायग्राम के माध्यम से आप छोटी सी चीज समझना ये क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा लेकिन इसको अगर आप समझ लेंगे तो आगे चल करके विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी काइनामिक विस्कोसिटी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी यहां पर यह कहना चाह रहा है कि जो मैंने बताया आपको कोई भी सब्सटेंस जो है या तो वो यू नो सॉलिड स्टेट में रहेगा या लिक्विड स्टेट में रहता है या फिर गैसेस स्टेट में रहता है सॉलिड समझने वाली बात यह है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स यू नो क्लोजली पैक होते हैं विद ईच अदर एक दूसरे से एकदम जुड़े रहते हैं इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं जोलिकुलर बॉन्डिंग के जो फोर्स होते हैं दैट इज वेरी उसके बाद अगर आप देखें लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ वाइड होता है कुछ गैप होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स अगर हम बात करेंगे गैसेस की तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड तो यहां से हमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसके बाद लिक्विड की उसके बाद गैसेस की ठीक है तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आगे चलकर के जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर दैट इज विस्कोसिटी विस्कोसिटी यानी एंड डायनामिक तो वहां पर आपको समझ में आने वाली है देन फ्लूड मैकेनिक्स कोई जरूरत नहीं है हम क्योंकि वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे है ना डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसको फील दिलाने के लिए आज हम एग्जाम ओरिएंटेड रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़ेंगे ज्यादा टाइम ना कंज्यूम करते हुए है ना तो यहां पर हम इतना देख लेंगे कि फ्लूइड होता क्या है वट इज फ्लूड तो देखो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो होने की एबिलिटी रखता है जो फ्लो हो सकता है ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है यू नो फ्लूड कहलाता है फ्लूड में भी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग जो फ्लो होने की क्षमता रखता है जो सब्सटेंस फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूड के नाम से जानते हैं जैसे आपने देखा पानी है पानी फ्लो हो सकता है तो वो क्या है लिक्विड है तो लिक्विड फ्लूड ही होता है गैसेस फ्लो हो सकती हैं जैसे ही एयर फ्लो हो रही है अभी ऑक्सीजन फ्लो होती है नाइट्रोजन फ्लो होती है तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकते हैं वो फ्लूइड कहलाते हैं ठीक है नौ अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर फ्लूइड की तो फ्लूड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है यानी कि लिक्विड और गैसेस की कोई शेप अपनी नहीं होती है जिस भी बर्तन में रखते हो उसी शेप को वो ऑक्युपाई कर लेते हैं पानी को कप में रखोगे तो कप की शेप को ऑक्यूपाई करेगा पानी को ग्लास में भरोगे तो ग्लास की शेप को वो ऑक्युपाई कर लेगा है ना तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है जिस भी बर्तन में ये रखे जाते हैं उसी के शेप को ऑक्युपाई कर लेते हैं ठीक है बस इतना यहां पर सफिशियंट है उसके बाद यहां से आपके डायरेक्ट दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जो हमने बताया था आपको सिलेबस में दिखाया था कि फ्लूड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जैसे प्रेशर है स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी डायनेमिक विस्कोसिटी विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक तो वन 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 बाय इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं चलिए तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेशर बहुत ही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कुछ नहीं है इसमें हो सकता दो नंबर में पूछ ले तो आप लिख ही दोगे क्या लिखोगे यहां से तो इट इज डिफाइंड एज अ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ध्यान रखना ये इंपॉर्ट कॉन्सेप्ट देखिए डेफिनेशन इजी है इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जब हम पास्कल लॉ की बात करेंगे तो वहां पर प्रेशर की बात हो रही होगी और जब हम पास्कल लॉ को डिराइव करेंगे तो याद रखना यहाँ पर याद रखना कि क्या है ये आपका यू नो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है याद रखना इस बात को कि जो प्रेशर होता है दैट इज नॉर्मल फोर्स जो प्रेशर हमारी सर, हमारी बॉडी के ऊपर भी एक प्रेशर लगा हुआ है अभी हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रेशर लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस इस बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर लगा हुआ है कैसा होगा सरफेस के नॉर्मल बस दो चीजें याद रखना एक तो ये होता है नॉर्मल टू दी सरफेस यहां पर प्रेशर लगा हुआ है तो नॉर्मल टू दी सरफेस है यहां पर प्रेशर लगा हुआ है नॉर्मल टू दी सरफेस और हमेशा ही टुवर्ड्स दी सरफेस ही लगता है ठीक है दूसरी चीज स्केलर क्वांटिटी होती है प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है लिखने के लिए आएगा नहीं आपको पता ही है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यू नो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है दोज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया को अगर आप लिखते हो मीटर स्क्वायर में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो तो जाएगी इसी एक वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल कह सकते हो है ना तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर

पास्कल ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इधर इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि यहां से एके में ऑलरेडी दो नंबर का क्वेश्चन आ चुका था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम लड्डू इसके बाद जो क्वेश्चन है मैं कराऊंगा अभी आपको देखो अगर आपको फंड देख ये क्वेश्चन आ चुका है एके टी यू में आया था ये क्वेश्चन तो देखो जरा इसमें आपको ये पता होना चाहिए आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि भाई यहां पर जो आप लाइन देख रहे हो ये वाली ये है आपका जीरो, जीरो पर कोई प्रेशर ही नहीं है तो यहां पर कितना प्रेशर आपका जीरो एटमोस्फेरिक प्रेशर अब क्योंकि एटमोस्फेयर की वजह से क्या होगा एक प्रेशर होगा तो उसको बोला जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर यहां पर आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक आपने क्या करा मेजर करा इसको जीरो से यहां तक तो ड्यू द प्रेशर ड्यू टू एटमोसफेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप यहां पर देख सकते हैं ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब एट अब हर जगह एटमॉस्फेयर है हर जगह क्या है एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर के ऊपर अगर हम प्रेशर मेजर करें तो दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर तो देखो यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर आप प्रेशर को मेजर करोगे दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर दैट इज कॉल्ड गेज प्रेसर इसके एप्लीकेशन कहां पे होते हैं जैसे आप अपनी कार के टायर में बाइक के टायर में या स्कूटी के टायर में जब आप एयर फिल कराते हो, हो, हवा भरवाते प्रेशर होता है अब यहां से आप देख सकते हो भाई यहां से लेकर के यहां तक हुआ एटमोस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर हुआ हमारा गेज प्रेशर इन दोनों का जो एलजेब्रिक सम होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर क्या बोलेंगे इसको हम

कितना कितना? है? तो तो ये ये हो गया आपका answer. बोलो yes yes no. so, देखिए पे आपको दो नंबर में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता होगा तब तो ये सिंपल है अगर ये रिलेशन ही किसी को नहीं पता है तो ये मुश्किल है, है ना दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी के साथ-साथ आप यहां पर देख सकते हैं एक और पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूं एक पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूं कि भाई जब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर प्रेशर को मेजर किया दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे प्रेशर मेजर करते हो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव गेज नेगेटिव गेज मतलब वैक्यूम प्रेशर इसको आप वैक्यूम प्रेशर भी कह सकते हो मैं रिपीट करूं क्या एक बार इसको

तो कार्बोरेटर uh, से एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाता है तो उस समय सिलेंडर के अंदर क्या होता है यू नो वैक्यूम प्रेशर होता है कौन सा प्रेशर होता है वैक्यूम 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 प्रेशर एक क्लीनर क्लीनर का का नाम सबने सुना होगा. का नाम सबने सबने सुना सुना होगा होगा तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी क्या होता है एटमोस्फरिक प्रेशर से उसके अंदर प्रेशर कम होता है सो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड वैक्यूम क्लीनर आगे बढ़े प्रेशर दो नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है या फिर छोटा मोटा न्यूमेरिकल ये पूछ सकता है तो आपको ये रिलेशन आना चाहिए आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक डेंसिटी स्पेसिफिक डेंसिटी को अगर हम देखें सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर डेंसिटी देखिए डेंसिटी को हम मास डेंसिटी भी कह सकते हैं जिसको हम रो से डिनोट दिन, करते हैं सो व्हाट इज डेंसिटी द मास अपॉन वॉल्यूम देखो मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड मास डेंसिटी और सिंपली डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ना व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है आपका कैपिटल वी अपॉन एम कैपिटल वी क्या है वॉल्यूम मीटर क्यूब एम क्या है किलोग्राम तो देखो डेंसिटी की बात हो रही है तो मास अपॉन वॉल्यूम और जब स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसको उल्टा कर दो इसका रेसी प्रोकल लिखो ये है मीटर क्यूब और ये है आपका केजी तो मतलब जो डेंसिटी होती है और स्पेसिफिक वॉल्यूम होते हैं वो एक दूसरे के रेसी प्रोकल होते हैं क्या होते हैं रेसी प्रोकल होते हैं अगर आपको डेंसिटी पता है इसका मतलब आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एयर का वॉल्यूम कितना है 50 मीटर क्यूब कितना वॉल्यूम है 50 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, है स्पेसिफिक वॉल्यूम तो कुछ मास भी रहा होगा तो जितना मास रहेगा वॉल्यूम कितना, तो कितना हो जाएगा इसका 10 मीटर क्यूब पर केजी अब बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होगी तो डेंसिटी हो जाएगी कितनी वन बाई एक दूसरे के रेसी होते हैं आगे बढ़ते हैं तो ये वही चीज़ यहां पर लिखी गई है जो मैंने आपको बताई है अभी तो वॉट इज डेंसिटी इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब दूसरी चीज आप ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है यू नो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे यहाँ पे है एयर एयर की डेंसिटी कितनी होती है वन मीटर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना वाटर क्या है लिक्विड तो इसकी डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ये न्यूमेरिकल में काम आएगा भैया आपके याद रखना इसको पानी पीते हो ना यस और नो तो भाई पानी की डेंसिटी हमको पता होनी चाहिए दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एयर हम सांस लेते हैं इसकी डेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब दूसरा स्टील क्या है दैट इज सॉलिड सॉलिड तो की डेंसिटी क्या होती है काफी ज्यादा होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब जनरली ऐसा होता है कुछ अपवाद भी होते हैं भी कुछ होते हैं जैसे मरकरी है तो मरकरी की कितनी होती है मरकरी क्या है लिक्विड है जबकि डेंसिटी कितनी होती है उसकी वन थ्री सिक्स डबल जीरो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना बहुत सारे सॉलिड से भी डेंसिटी ज्यादा होती है बट इन जनरल ऐसा होता है इन जनरल ऐसा होता है यस और नो कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होगी आप यहां पर देख सकते हैं कि ये दो डायग्राम है मुझे बता दीजिए आप लोगों का इन दोनों डायग्राम को देख करके क्या आप बता सकते हो कि फर्स्ट या सेकेंड किसमें से डेंसिटी ज्यादा है बस फर्स्ट और सेकंड लिखेंगे अंबिका यूनिवर्सिटी लखनऊ ओके चलो बताओ भाई जल्दी से फर्स्ट और सेकंड किसकी डेंसिटी ज्यादा किसकी डेंसिटी ज्यादा चलो भाई बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो मैसेज मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज यू नो चलिए चलिए ठीक है सेकंड वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली मैंने बताया भी था आपको बहुत बढ़िया बहुत सही रोहित बता रहे हैं लवली बहुत सही आर्यन गुप्ता हर्षित राइट राइट कृष्णा सेकंड वाले की होगी कि भाई जितने जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं ना जिसके मॉलिक्यूल्स जितने पास पास में होंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब एक सेम वॉल्यूम में अगर मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी है ना एक कंटेनर के अंदर एयर भरी हुई है है ना तो उसके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं तो उसकी डेंसिटी कम अगर उसी के अंदर पानी भर दो एयर को निकाल करके जैसे खाली गिलास है ना खाली गिलास मतलब उसके अंदर एयर भरी हुई है खाली तो नहीं होता है बेसिकली उस गिलास के अंदर मान लो एक गिलास है इस गिलास के अंदर है ना एयर भरी हुई है तो इसका कुछ मास होगा कुछ मास आया इसके अंदर अब इस एयर को निकाल करके इसके अंदर अगर वाटर भर दोगे तो क्या होगा क्योंकि यू नो you know, वाटर की डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है इसी को निकाल करके इसमें लोहा भर दो मेल्ट करके है ना वो सॉलिड बन जाएगा तो उसकी डेंसिटी और भी ज्यादा होगी जब सेम वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाएगा अगर सेम वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा सेम वॉल्यूम वॉल्यूम फिक्स है जितना मास ज्यादा होगा जिस सब्सटेंस का उस सब्सटेंस की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है दैट इज स्पेसिफिक वेट मैंने क्या बोला अभी आपको कि भाई डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम ध्यान देना मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड मास डेंसिटी अगर मास की जगह मैं क्या लिख दूं यहां पर वेट और नीचे रहेगा वॉल्यूम तो ये हो जाएगी आपकी वेट डेंसिटी ध्यान दीजिएगा मास अपॉन वॉल्यूम मास डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम वेट डेंसिटी तो इट इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम वेट पर यूनिट वॉल्यूम और वेट क्या होता है एम जी अगर किसी सब्सटेंस का मास किसी बॉडी का मास एम है तो उसका वेट कितना हो जाएगा एम जी आगे चल करके जब हम पास्कल डेरिवेशन ड्राइव करेंगे तब भी आपको वहां पर वेट लिखना होगा. That is equal to MG. है ना? अभी हमने देखा था कि क्या लिख दिया रो लिख दिया तो यहां से हमको एक रिलेशन मिल गया जो कि आपको न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा दैट इज रो इन टू ये याद रखेंगे इट विल हेल्प टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी अगर आपको स्पेसिफिक वेट पता है तो आप रो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो या आपको रो पता है तो आप स्पेसिफिक वेट बता सकते हो क्योंकि जी की वैल्यू तो आपको पता होती है दैट इज इक्वल टू 9.8 तो मैं इसको ऐसे लिखता जा रहा हूं रफ वर्क है जो इसके प्रॉपर नोट्स हैं इसके प्रॉपर नोट्स मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल करा रखे हैं ठीक है ये वाले जो आज के नोट्स है ना ये मैं शेयर नहीं करूंगा

स्टैंडर्ड बोलो नो yes no. तो आपने क्या करना एक्चुअली एक चीज मैं और यहां पर बताता हुआ चल रहा हूं आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बीच बीच में आपको बताऊंगा कि नंबर हमारे क्यों कट जाते हैं है ना पूरे नंबर क्यों नहीं आते हैं अगर आपको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा रहेगा तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम रहेंगे एक बच्चा क्या करेगा ये लिख के आएगा कि सिर्फ दो नंबर मान लो पूछ लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है तो कई बच्चे करेंगे क्या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लुड विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लुड ये नहीं लिखेंगे आपको ये भी लिखना चाहिए और ये लिखोगे और उसको अगर बॉक्स में बंद कर दोगे तो एग्जामिनर की निगाह इस पर नहीं जाएगी नजर बोला नहीं पढ़ेगा वो इसको देखेगा सिर्फ इतना देखेगा और आपको नंबर मिल जाएंगे इसके साथ आपको इसकी क्या लिख देनी चाहिए यहां पर स्टैंडर्ड फ्लुइड की बात हो रही है तो व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टैंड फॉर लिक्विड एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टैंड फॉर गैसेस क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फ्लूड का मतलब होता है क्या या तो लिक्विड या तो गैस अगर मैं बोलूं आपसे कि एक कंटेनर के अंदर फ्लूड भरा हुआ है इसका मतलब क्या है आपको नहीं पता है उसके अंदर है, उसके अंदर अंदर लिक्विड भी भी हो हो सकता सकता है है गैस तो यहां पर फ्लूड या तो लिक्विड होगा या गैस होगा अगर मान लीजिए उसके अंदर लिक्विड है तो लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूड होता है स्टैंडर्ड फ्लू लिक्विड के लिए होता है वाटर याद रखेंगे न्यूमेरिकल में काम आएगा और अगर कोई फ्लूड गैस है तो गैसेस के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूड होता है दैट इज एयर या फिर एस टू इनकी डेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए एयर की डेंसिटी अभी आपने देखा था दैट इज वन पॉइंट टू और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है वन थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा सो नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी तक यहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा नहीं गया है लेकिन आ सकता है जा सकता है, है ठीक ना? अभी तक नहीं आया इसका मतलब ये नहीं, आएगा नहीं तो कैलकुलेट्लू आपको कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी भी आपको कैलकुलेट करनी है सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है डेंसिटी आपको बतानी है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको थर्ड पार्ट में बतानी है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ऑफ वन लीटर ऑफ लिक्विड वन लीटर ऑफ लिक्विड मतलब क्या दिया हुआ है लीटर किसकी यूनिट होती है लीटर किसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की तो वही आपको अच्छा क्वेश्चन को जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करो ना अभी तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं आप लोगों को है ना कायदे से आपको लिख के आना जो हमारे डिटेल्ड लेक्चर है जो हमारे डिटेल्ड लेक्चर है उसमें हमने प्रॉब्लम को एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा है बिकॉज इट इज वन रिवीजन वीडियो बहुत ज्यादा समय कंज्यूम नहीं करेंगे तो मैं जल्दी बाजी में आपको बता रहा हूं सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन है ना क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर फिर लिखेंगे वॉट यू नो क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है टू फाइंड करके या टू डिटरमाइन करके लिखेंगे उसके बाद आप फॉर्मूला या इक्वेशन अप्लाई करेंगे उस यू नो क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए तो यहां पर आपसे पूछा गया है

तो वन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब यह है इसका वॉल्यूम यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए टेन की पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब तो यह हो जाएगा आपका सेवन हंड्रेड सॉरी सेवन थाउजेंड न्यूटन पर मीटर क्यूब बोलो बोलो ये सो और नो तो ये आ जाएगा आपका स्पेसिफिक वेट अगर आपको फ्लूड की प्रॉपर्टीज पता है उनमें रिलेशन पता है तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है उसके बाद आपको यह भी पता है कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है रो इन टू जी अभी बताया था मैंने आपको स्पेसिफिक वेट क्या होता है

नहीं है अगले वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है ठीक है तो वहां पे वाटर था यहाँ पे कुछ और दिया है पेट्रोल दिया है पेट्रोल भी लिक्विड है पेट्रोल भी क्या होता है लिक्विड और लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लिड क्या होगा वाटर चलो इसको कर लीजिएगा खुद से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी विस्कोसिटी और टाइप्स ऑफ फ्लूड लाइक न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड आइडियल फ्लूड एंड रियल फ्लूड यहां से जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो ये टॉपिक्स ऑलरेडी एक एग्जाम में आ रखे हैं तेटे तो डिस्कस वॉट इज डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है आपका डायनामिक विस्कोसिटी बात हो रही है यहां पर फ्लूड की तो जब फ्लू फ्लो हो रहा होता है जब फ्लूड फ्लो हो रहा होता है आप यहां पर देख सकते हैं फॉर्म ऑफ लेयर लेयर की फॉर्म में एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर इस तरह से like लेयर तो की फॉर्म में फ्लूड फ्लो हो रहा होता है एंड माई डियर स्टूडेंट्स एक बात मुझे बताना कि जब ये सरफेस कैसा है आपका दिस इज योर पिग सरफेस तो फिक्स सरफेस जैसे ग्राउंड है है उसके कांटेक्ट में जो लेयर होगी लेड की क्या उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी 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 जीरो जीरो नहीं ऑलमोस्ट फिर उसके उसके ऊपर ऊपर जो लेयर उसकी वेलोसिटी और ज्यादा की और ज्यादा तो यहां पर आप देखो ऊपर लेयर जो है उसकी वेलोसिटी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है तो डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में फ्लूड का फ्लो हो रहा है और वाई डायरेक्शन में जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई आपको नजर आ रही एरो की लेंथ बढ़ा के यहां पे

वो उसको रोकने की कोशिश कर रही होगी और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो उसको आगे खींचने की कोशिश कर रही होगी जैसे दो लोग हैं दो स्टूडेंट्स हैं है ना दोनों के हाथ बंधे हुए हैं एक तेज भाग रहा है और एक धीरे भाग रहा है तो जो तेज भाग रहा है उसको क्या लगेगा कि जो दूसरे वाला है मुझे पीछे खींच रहा है और जो मतलब आगे वाले को क्या लगेगा आ, पीछे वालों को क्या लगेगा कि मुझे वो आगे की तरफ खींच रहा है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे एक रजिस्टिंग फोर्स यू नो ऑफर करेंगे वो जो दो फ्लू यू नो जो फ्लूड हमारा फ्लो हो रहा है जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उसकी दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में जो एक रजिस्टिंग फोर्स है जो एक फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी

अब ये जो adjacent layers के बीच में जो एक फोर्स लगा हुआ है, है ना रजिस्टिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स उसको हम शेयर फोर्स के नाम से भी जानते हैं अब यहां पर ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है ये आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आगे के जो दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक लॉ ऑफ विस्कोसिटी वो आपको यू नो you know, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये कहां से आया कैसे आया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं वो भी थोड़ा समझ लेते हैं एक बार तो यहां पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हो दिस डायग्राम फ्लो हो रहा है तो हमने क्या करना है कि दो कोई भी दो लेयर लेर करनी है

भाई ये तो पता है ना डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इन टू वेलोसिटी तो टाइम कितना है डीटी और वेलोसिटी कितनी है यू तो मान लो कि यू वेलोसिटी से जब ये ये चला तो तो लेयर जो है है इतना मूव कर जाती है. बोलो यस और नो तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी इसने तो वेलोसिटी इन टाइम दैट इज यू इंटू डी टी ये अगर आपको समझ में आ गया छोटा सा एक्सप्रेशन है तो आगे का काम आपके लिए आसान हो जाएगा नो अब मैंने क्या बोला आपको कि भाई दो लेयर कंसिडर करो यहां पे एक लेर यह होगी अब ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी तो ज्यादा होगी तो मान लो जो नीचे वाली लेयर है उसकी है उसकी वेलोसिटी अगर u तो ऊपर वाले की जो वेलोसिटी होगी दैट इज u प्लस डी यू मतलब ऊपर वाले की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है यहां पर मान लेते हैं इसके ऊपर वाली लेयर ये है थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं इतना गैप नहीं होता लेयर्स के बीच में तो इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी यू प्लस डी यू

प्लस डी यू डी टी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बोलो ये टोटल डिस्टेंस आ गई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्योंकि ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करी उसने क्या आप बता सकते हो बहुत ही आसान है कि भाई यहां से दोनों चलना स्टार्ट करा पहली वाली लेयर यहां तक पहुंची और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करी ऊपर वाली लेयर ने बोलो यस और नो यस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान से कि भाई ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस है इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस कितनी है यू डी टी तो इसमें से यू डी टी माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस बचेगी दैट इज डी यू डी टी बचेगी और इसको आप ऐसे बना सकते हो तो ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा यहाँ पे उसको हम लिखेंगे डी थीटा और ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है ये डिस्टेंस कितनी है तो dy है दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी डी वाई दो के के dy तो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल मिल रहा है बोलो यस और नो इसको बोलो ए बी एंड ये हो गया सी तो एक यहाँ से आपको राइट एंगल ट्रेंगल मिल जाएगा यस और नो दिस इज ए बी एंड सी एंड दिस एंगल इज डी थीटा एंड ये जो डिस्टेंस थी इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी थी दैट इज डी वाई

परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज dy अब क्योंकि यहां पर जो d थीटा है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि भाई अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है बहुत छोटी होती है तो sin थीटा को आप थीटा लिख सकते हो इसी तरह से आप tan थीटा को थीटा की एप्रोक्स लिख सकते हो क्योंकि थीटा की यहाँ पे d थीटा बहुत छोटा है है ना तो यहाँ पर आप tan d थीटा को d थीटा लिख पाओगे ये हो जाएगा आपका डी यू डी टी डी वाई एक काम करो इस डी टी को इधर ले आओ इस डी टी को इधर ले जाओ इसके नीचे तो ये हो जाएगा डी थीटा ओवर डी टीवल टू इधर कितना बच गया डी यू ओवर डी वाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस यही एक्सप्रेशन था कुछ नहीं करना एकदम बच्चों वाला काम करा है हमने यहाँ पे है ना तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको हेल्प करेगा यही एक्सप्रेशन आ चुका है क्या बोलो यस और नो बताइए ये जो एक्सप्रेशन है दिस वन डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डीवाई अब आपको ये याद रखना है कि ये जो डी थीटा ओवर है इसको क्या बोलते हो दैट इज नोन एज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या बोलोगे इसको डी थीटा ओवर डी टी को डी थीटा ओवर डी टी को बोलोगे रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो और डी यू ओवर डीवाई क्या बोलोगे डी यू ओवर डीवाई को क्या बोल दोगे Velocity, Gradient. और जहां डी थी लिखा होगा वहां पर आप डी यू ओवर डी वाई लिख सकते हो आगे बढ़े चलिए देखते हैं that is cause of viscosity, कि जो विस्कोसिटी आई है जो दो लेयर्स चल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लूड जो डिफरेंट हो रहा है उनके बीच में विस्कोसिटी आई क्यों फ्रिक्शनल फोर्स कहां से आया तो उसका कारण होता है

बिकॉज इन केस ऑफ लिक्विड क्योंकि बात हो रही है यहां पर फ्लुइड की विस्कोसिटी की और फ्लुइड में क्या होता है लिक्विड और गैस क्योंकि लिक्विड के अंदर जो कोहेसिव फोर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं कोहेसिव फोर्स ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से विस्कोसिटी आती है तो इसलिए तो इसलिए लिक्विड की जो विस्कोसिटी होगी लिक्विड की जो विस्कोसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैसेस बात समझ में आती है क्योंकि विस्कोसिटी का कारण है कोहेसिव फोर्स तो जिसके कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे

तो आप विस्कोसिटी के बारे में क्या एक ही स्लाइड लिख करके आएंगे बताओ अगर आप बोलोगे सर आपने तो एक ही स्लाइड बताया था डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में तो डायनामिक विस्कोसिटी में अगर केवल इतना ही लिख करके आओगे

तो लिक्विड का टेंपरेचर अगर बढ़ाओगे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स कम हो जाएंगे और कोहेसिव फोर्स कम हो जाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी वही चीज लिखी गई है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी विद इनक्रीज इन टेंपरेचर टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाने पर फोर्स कम, कम हो जाता है के तो कोहेसिवर्स तो जो रेंडमनेस है जो रेंडमनेस है वो बढ़ जाएगी रेंडमनेस बढ़ जाएगी जिसकी वजह से जो फ्लूड है वो फ्लो नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से फ्लूड फ्लो नहीं हो पाएगा और विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाएगी ठीक है ना तो डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस तो ये किसके लिए हो जाएगा फॉर गैसेस है ना यहाँ पर बनाया हुआ भी है ये आपको नोट्स में मिल रहा होगा आगे बढ़े जाए एक बार थोड़ा सा चैट बॉक्स भी देख लें क्या हम्म बहुत बढ़िया ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट का रेस्ट ले लेते हैं ठीक है बॉक्स देख लें आप लोग क्या क्या लिख रहे हो क्या क्या बातें चल रही है ये कपल कुपुल क्या हो रहा है भाई कपल तो यूनिट नंबर वन में है सिद्धार्थ जैन कपल कपल तो यूनिट वन में पढ़ाया भाई हम लोगों ने <laughs> श्वेता बोल रही हैं कि सबकी शॉर्ट वीडियो ही चाहिए किसी का लॉन्ग वीडियो भी देख लो यार सबको <laughs> जो एक है एकदम शॉर्ट चाहिए चलो भाई जल्दी से चेक करके बताओ मुझे क्या चेक करवा रहे हो श्वेता कहाँ से हो हाँ श्वेता से जरूर पूछोगे तुम बाकी किसी से नहीं पूछोगे ना चलो भाई बढ़ें आगे चलो भाई आगे बढ़ा जाए किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक जितना बताया है जितना पढ़ाया है अगर किसी का क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए मैं आपका चैट देख रहा हूँ किसी का कोई क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स अदरवाइज आई विल कंटिन्यू वैसे डाउट्स बचता नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें भाई तुम लोग यार मतलब एक तो वन शॉर्ट वीडियो चल रही है तो ये सारा वन शॉर्ट में तो सब इंपॉर्टेंट ही रहता है hmm? मैं कल को दस क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को ये दस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लो तो बोल इनमें से बस पांच बता दो भाई पांच क्वेश्चन बता दो कल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा लाइव क्लास लूंगा है ना नौ बजे एक बार फिर से हम लाइव क्लास करेंगे लेकिन जब तक आप लोग जितने भी वन शॉट वीडियो हैं या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं केवल मैं ये नहीं कह रहा आपको कि हमारी वन शॉट वीडियो ही आपको देखनी है जहां से आपको अच्छा आ, सोर्स मिलता है जहां भी अच्छा कंटेंट आपको मिलता है जहां से भी आपको बेनिफिट होता है वहां से एक बार सिलेबस को एक बार देख लीजिए पढ़ लीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है देखो भाई है ना ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं ये बता दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है प्रॉबिलिटी होती है अभी तक तो ये रहा है कि जो वन शॉर्ट वीडियो हमारी रही है पिछले मैंने आपको मॉडल पेपर भेज दिए हैं मॉडल पेपर मैंने भेज दिए हैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे सबको मिल गए होंगे तो वो मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दो पेपर हैं अभी तक जो पिछले तीन साल के पेपर आए हैं वो सारे वन शॉर्ट वीडियोज़ आए हैं आपके सीनियर्स आपके जो सीनियर्स हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है ना उनसे आप बात कर सकते हो मैं जो सीनियर लोग हैं ना आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उनका मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगा क्योंकि जब हम फीडबैक लेते हैं बच्चों से पूछते हैं ना एप्लीकेशन के बच्चों को मैंने बहुत बार कॉल करी है खुद भी कॉल करता हूँ बाकी टीम भी कॉल करती है तो हम पूछते हैं कि आपको गेट क्लासेस का कहाँ से पता लगा तो वो आंसर करते हैं कि हमको सेकेंड ईयर में एक भैया है या हमारे सर हैं थर्ड ईयर में तो वहां से वो रिकमेंड करते हैं है ना तो कंटेंट क्योंकि अच्छा लगता है तो इसलिए वो रिकमेंड करते होंगे शायद आप लोग भी जब सीनियर हो जाओगे अगले साल आप भी लोग जब आपके जूनियर आएंगे फर्स्ट ईयर में आप उनको रिकमेंड करोगे चलो आगे बढ़े यस और नो सर मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर अच्छा नहीं गया डर है कि बैक ना लग जाए अरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर बहुत ही आसान था एकदम लड्डू था अगर पिछले दो साल के पेपर देखोगे तो उसमें बहुत सारी बैक थी आप लोगों ने शायद सीरियस नहीं लिया होगा पढ़ाई नहीं करी होगी तो कड़वा लग सकती है मेरी बात से लेकिन अगर जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है तो पेपर तो अच्छा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शेयर किए थे व्हाट्सअप में और एप्लीकेशन में वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो आपने शायद पढ़ाई नहीं करी कोई बात नहीं अगर बिगड़ गया है खराब हो गया है पेपर तो अगले पेपर पे फोकस किया जाए जो पुराने जो पेपर हो चुके हैं दो दो पेपर आप लोगों के उन पे फोकस ना करते हुए अब जो पेपर बचे हुए हैं पीपीएस मैकेनिकल मैथमेटिक्स ईवीएस सॉफ्ट स्किल्स है ना उन पर आप फोकस करो है ना इनमें आप अच्छा स्कोर करने का प्रयास करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बर्नौली ये पूछ रहे हैं अनुराग सर बर्नौली थ्योरम आएगी या नहीं माई डियर फ्रेंड माई डियर फ्रेंड अनुराग सिंह

सर टाइप्स ऑफ फ्लूड में न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड ही आता है ना हाँ टाइप्स ऑफ फ्लूड में अभी आएगा इसके बाद वाला टाइप्स ऑफ फ्लूड ही है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड इंपॉर्टेंट है रियल और आइडियल फ्लूड भी आता है टाइप्स ऑफ फ्लूड के अंदर तो रियल और आइडियल फ्लूड में एकटी में क्वेश्चन आ रखा है पहले दो नंबर में वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल फ्लूड आई होप क्या आपको बात समझ आ गई होगी है ना टाइप्स ऑफ फ्लूड के अंदर रियल फ्लूड आइडियल फ्लूड न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फलुड्स आते हैं चलो आगे कंटिन्यू करा जाए चलिए बात करते हैं आगे फर्दर टाइप्स ऑफ फ्लूड की बात हो रही होगी इससे पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जैसे आप लोगों ने यूनिट नंबर वन में क्या पढ़ा है द हुक्स लॉ तो हुक्स लॉ सॉलिड के लिए होता है हुक्स लॉ किसके लिए होता है सॉलिड के लिए होता है अब यहां पर हम फ्लूड की बात कर रहे हैं तो फ्लूड के लिए होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहा न्यूटनस लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंदर कि अकॉर्डिंग टू न्यूटनस लॉ ऑफ विस्कोसिटी द रेट ऑफ शेयर सॉरी द अकॉर्डिंग टू न्यूटनस लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो शेयर स्ट्रेस होती है दो लेयर्स के बीच में जो शेयर स्ट्रेस लग रही होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन क्या होता है दैट इज डी थीटा ओवर

तो एक प्रोपोर्शनलिटी आएगा है ना तो यहां पर जो म्यू है इक्वल टू का साइन यूज करा आपने तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ गया म्यू है ये क्या होता है फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है आपको अगर याद आ रहा हो अगर आपको याद आ रहा हो जब हमने बात करी थी का स्टेटमेंट भी आता है यूनिट नंबर वन में एक में दो बार आ चुका है ने क्या बोला था तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जब हमने यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया था तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आया था जिसको हमने लिखा था कैपिटल ई e. बोलो ये और नो। कैपिटल ई e. तो कैपिटल ई e क्या था वहां पे? दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्योंकि यूनिट नंबर वन में हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के लिए हुक्सलॉ होता है जहां पर यंग्स मॉडुलस आता है 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 कांस्टेंट लेकिन यहां यहां बात बात हो रही है बात हो रही रही किसकी पर फ्लूइड की तो फ्लूइड के लिए होता है आपका लॉ विस्कोसिटी तो यहां पर देखो जब आपने डायग्राम बनाया था हुक्स लॉ में तो आपने लिखा था स्ट्रेस यहां पे और स्ट्रेन यहाँ पे तो स्ट्रेस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे नॉर्मल की स्ट्रेस आ जाएगा और यहाँ पर डी यू ओवर डी वाई आ जाएगा या डी थीटा ओवर डी टी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है में भी एक थी। यहां भी एक थी। तो दोनों सिमिलर होते हैं एक फ्लुड के लिए न्यूटन और एक सॉलिड के लिए आगे चला जाए चलो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो इसकी कैसे कैलकुलेट करोगे किसकी न्यूटन किसकी विस्कोसिटी की तो यहां से देखो विस्कोसिटी को क्या लिख सकते हो

एक सेकेंड कुछ गड़बड़ होगी क्या दोबारा चेक कर लेते हैं भाई जल्दीबाजी में तो ये हो जाएगा आपका देखो ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नीचे है वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड ये है डी वाई यानी कि ऊपर आ जाएगा मीटर में देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड कुछ कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें भाई यहाँ पे जो म्यू है डी यू ओवर डी वाई बिल्कुल ठीक है टाओ क्या होता है हमारा स्ट्रेस दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर राइट नीचे वैलोसिटी है सेकेंड और नीचे क्या है आपका डी वाई है तो डी वाई यानी कि मीटर ऊपर चला जाएगा तो यहां से आप देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो न्यूटन पर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए न कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं एक सेकेंड ओहो 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 गड़बड़ हो गड़बड़ हो हो रही रही है हम्म मैंने ये रिलेशन ही गलत लिख दिया तो यहां से जो म्यू आएगा दैट इज इक्वल टू अपॉन आएगा है ना तो यहां से जो टाव है उसको लिख देना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिखना डिस्टेंस मीटर और वेलोसिटी को लिखना मीटर पर सेकेंड तो कैंसिल आउट होने के बाद आपको मिल जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर फर्दर अगर आप इसको के में लिखना चाहोगे तो न्यूटन क्या होता है यहाँ पे इसमें न्यूटन आएगा है ना ये होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है न्यूटन क्या होता है आपका फोर्स न्यूटन क्या होता है फोर्स दैट इज इक्वल टू और एम क्या हो जाएगा मास यानी के जी और ए क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यहां पर न्यूटन को ब्रेक कर लीजिएगा एफ इज इक्वल टू एम ए से तो हमारी जो यूनिट आएगी दैट इज के जी पर मीटर सेकेंड एक और यूनिट अगर आप याद रखना चाहते हो इसकी तो है या, आपका यू नो पॉइज़ और one का मतलब होता है जीरो पॉइंट वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ठीक है तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है आपको ये unit आपको ये रटनी नहीं है ये आपको आपको बस याद रखना है है इसी formula से आपको unit मिल जाएगी ठीक चलो आगे चलते हैं उसके बाद आता है आपका kinematic viscosity, तो हमने पढ़ा अभी डायनामिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी को अगर आप डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा आपको यहां विस्कोसिटी क्या मिल जाएगा आपको काइनामेटिक विस्कोसिटी जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आ सकता है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड विस्कोसिटी ठीक है इसकी यूनिट यूनिट भी मिल जाएगी आपको आपको क्योंकि म्यू की आपको पता है और रो की यूनिट क्या होती है दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट आ जाएगी या फिर इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड सीजीएस ये जी यूनिट है ये सीजीएस यूनिट है जैसे पॉइज डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है इसी तरह से एक और यूनिट है यहां पर क्या है स्टोक ये क्या है आपका स्टोक तो स्टोक है, है पूछ रहा था टाइप्स ऑफ फ्लूड यानी कि न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड क्या होते हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में

अगर आप वर्सेस डी थीटा ओवर डायग्राम बनाना चाहते हो तो न्यूटोनियन फ्लुइड के लिए डायग्राम कैसा आएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी क्योंकि वो इस लॉ को फॉलो कर रहा है है ना तो यहां पर ये जो फ्लूड होगा ये जो लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी ये न्यूटोनियन फ्लूड को रिप्रेजेंट कर रही होगी ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूड मतलब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ बिस्कॉट को फॉलो नहीं करते हैं ओबे नहीं करते हैं दोज आर नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूड है ना देखो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होगी ये न्यूटोनियन फ्लुइड होगी और ये होगी नॉन न्यूटोनियन फ्लूड देखो भाई जिसके नंबर कटने होंगे उसके नंबर पता क्यों कटेंगे अगर वो लिख करके आ जाएगा ना सिंपल न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन अगर ऐसा डायग्राम नहीं बनाएगा तो एग्जामिनर को ये डायग्राम अगर आता होगा तो अगर मान लो उसको भी नहीं पता है ऐसे डायग्राम बनाने चाहिए तो शायद ना कटे नंबर अदरवाइज यहाँ पे नंबर कट जाएंगे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम मार्क्स जब तब यू you नो know, जब पेपर दे के आते हैं बताते हैं हम तो 90 परसेंट से ज्यादा करके आ गए तो 80 परसेंट प्लस मार्क्स तो जाएंगे पता लगा नंबर आ रहे हैं 50 इज द रीजन द रीजन इज दैट कि आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है तब तो वो उतना अच्छा नहीं रहता है आपका दो स्टूडेंट्स से हैं, दोनों सेम कंटेंट को लिख रहे हैं लेकिन एक का जो लिखने का तरीका है वो अच्छा है, है ना तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए अच्छा जब आप डायग्राम बनाते हो ना तो जिनकी राइटिंग्स बहुत अच्छी नहीं होती जैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपकी जो राइटिंग है वो छुप जाती है ठीक है ना तो डायग्राम्स का आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाने हैं कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे ये जो एक्सिस है एकदम फ्री हैंड से बना देंगे तो अगर आप स्केल का यूज कर लेंगे तो दिक्कत कहां रही है आपका डायग्राम अच्छा लगेगा ये वाली लाइन भी क्या कर सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन स्केल से बना सकते हैं जो कि न्यूटोनियन फ्लूड दिखा रही है अब जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड है वो ये लाइन कर्व टाइप का जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी नॉन न्यूटोनियन फ्लूड अगर आपको क्या करोगे न्यूटोनियन फ्लूड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की थ्योरी लिख दोगे और डायग्राम में दिखा दोगे कि भाई ये न्यूटोनियन फ्लूड है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूड है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इसके बाद आता है आपका आइडियल एंड रियल फ्लूड ये ए में ऑलरेडी क्वेश्चन दो नंबर में पूछा जा चुका है आइडियल फ्लूड और रियल फ्लूड आइडियल फ्लूड का मतलब है कि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं ऐसे फ्लूड जो इनकम्प्रेसिबल हो जिनकी डेंसिटी चेंज ना हो जिनका वॉल्यूम चेंज ना हो दूसरा हैविंग जीरो विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है ऐसे फ्लूड जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है अब एक बात बताओ टाओ इज इक्वल टू हमने पढ़ा म्यू डी यू ओवर डी यू ओवर डी वाई तो जिसकी विस्कोसिटी जीरो होगी म्यू जीरो होगा तो उसका टाओ भी तो जीरो होगा तो जिसकी विस्कोसिटी जीरो होगी उसकी शेयर स्ट्रेस भी जीरो होगी तो ऐसे फ्लूइड जो इनक्रेसिबल होते हैं नेचर में और उनकी विस्कोसिटी जीरो होती है वो आइडियल फ्लूड के नाम से जाने जाते हैं आइडियल फ्लूड आर दो जीरो विस्कोसिटी एंड इनकम इन नेचर आर नोन एज आइडियल फ्लूड और रियल फ्लूड क्या होते हैं रियल फ्लूड का मतलब है कि कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी यानी कि कुछ कुछ ना कुछ उसके अंदर शेयर स्ट्रेस भी होगी भाई एक तरह से आप ये कह रहे हो कि जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है उनके बीच में रजिस्टेंस ही नहीं है ऐसा तो इम्पॉसिबल है तो ये जो आइडियल फ्लूड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी हम जीरो बोल रहे हैं ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते है ना ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो रियल फ्लूड का मतलब है कि कुछ ना कुछ विस्कोसिटी रही होगी और यहां पर आप दिखा सकते हैं देखो आइडियल फ्लूड को आप इस एक्स एक्सिस पे दिखा सकते हो क्योंकि आइडियल फ्लूड का मतलब विस्कौ... देखो शेयरिस्ट ये होता है ना डायग्राम आपका इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई तो टाओ कितना है जीरो और ये है आपकी टाओ तो टाउ जीरो पे पे होगा इसी पे होगा एक्सिस ना तो ये है आपका जो हॉरिजेंटल एकस उस पर आप दिखाएंगे किसको आइडियल फ्लूड आगे बढ़ा जाए इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट चलो जी नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ रहे होंगे यहां पे यू नो पास लॉ का स्टेटमेंट पास्कल लॉ का डेरिवेशन एप्लीकेशन ऑफ पास कर लॉ तो ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन पास कर लॉ का एक बार आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन एक बार आ चुका है तो दस नंबर का जब आया करता था इस बार तो सेवन मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है कि इस बार पास कर लॉ जो है वो सेवन मार्क्स में पूछ लिया जाए तो करें इसका डेरिवेशन ड्राइव चलिए इसका डेरिवेशन ड्राइव करते हैं पास कर लॉ का देखो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं प्रेशर डेंसिटी डायनामिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ ली है स्पेसिफिक ग्रेविटी न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ ली है अब हम पढ़ने वाले हैं पास्कल लॉ एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन ठीक है चलो तो देखो स्टेटमेंट पढ़ो इसका पहले क्या बोल रहा है पास्कल लॉ पास्कल लॉ बहुत ही शानदार लॉ है है ना बहुत ही इसने हमारी जो चीजों को बहुत आसान बनाया है आप लोग अपनी कार को ले जाते हो ना गैराज पे एकदम थोड़ा सा फोर्स लगाते हो कार आपकी लिफ्ट हो जाती है ट्रक एकदम हैवी हैवी ट्रक होते हैं लिफ्ट हो जाते हैं आप लिफ्ट यूज करते हो ये सब लॉ पर लॉ की वजह से हम इतना चीज कर पाते हैं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक जैक हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक पंप्स जो हैं, दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ पासकल लॉ जहां पर हम पासकल लॉ को अप्लाई करते हैं और अपनी चीजों को आसान करते हैं मतलब ये है कि बहुत छोटा सा फोर्स लगा करके बहुत ही कम अमाउंट का फोर्स लगा करके ज्यादा हैवी वेट को हम लिफ्ट कर पाते हैं यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल लॉ अभी बताया क्या था पास्कल लॉ ने पास्कल लॉ ने बताया था कि अगर मान लीजिए एक आपके पास क्या है एक कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड है जो कि रेस्ट में होना चाहिए फ्लूइड कैसा होना चाहिए रेस्ट में होना चाहिए फ्लूइड कैसा होना चाहिए रेस्ट में तो अगर हम कोई भी फ्लूइड है अगर वो रेस्ट में है तो किसी भी पॉइंट पर मान लो ये हमने पॉइंट कंसीडर किया तो इस पॉइंट पर क्या होगा कि हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा दैट विल रिमेन सेम मान लो इधर प्रेशर कितना है एक्स डायरेक्शन में px वाई डायरेक्शन में py और जेड डायरेक्शन में प्रेशर कितना है PZ है तो पास्कल ने हमको बताया था कि भाई px की वैल्यू px के बराबर py के बराबर होगी pz के बराबर होगी मतलब इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन स्टेटिक सेम हर डायरेक्शन में प्रेशर की इंटेंसिटी क्या रहेगी? Same रहेगी, सेम ठीक है ना इन करना है हमको या फिर आप इसको अलग तरीके से ये भी कह सकते हो कि भाई किसी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चलो अब इसका डेरिवेशन ड्राइव करते हैं डेरिवेशन स का लॉ का तो लेट लेटेस्ट कंसिडर वेज शेप फ्लूड एलिमेंट हुज थिकनेस इज यूनिटी बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखने का प्रयास किया है समझने तो का प्रयास कीजिएगा इसको हमने क्या करना है पास्कल लॉ के डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए वेज शेप का एक फ्लूड एलिमेंट कंसिडर करना है लाइक like दिस है ना तो हमने क्या करा एक फ्लूड एलिमेंट यहां पर ये यह कंसिडर कर लिया मान लेते हैं कि ये है हमारी एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर क्या होगी एक्सिस और, और ये क्या हो जाएगी आपकी एड एक्सिस right? ये एंगल मान लेते हैं कितना है दिस एंगल इज़ तो इस डायमेंशन को मान लेते हैं डी एक्स ये आपकी वाई एक्सिस है तो इस डायमेंशन को मान लेते हैं डीवाई और इस डायमेंशन को मान लेते हैं डी एस ये वाली जो है है ना जो इसका हाइपोटेनियस है उसको हमने डी एस मान लिया Now, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है आपको इसमें ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी एक्स तो एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं प्रेशर है कितना पी एक्स ये डायरेक्शन है y. तो डायरेक्शन में कितना प्रेशर मान लेते हैं दैट इज पी वाई और इसको मान लेते हैं हम पी जेड तो लिख देता हूं मैं यहां पे दिस इज पी एक्स यहां लिख देते हैं इसको दिस इज पी एक्स एंड दिस इज वॉट दिस इज पी वाई एंड दिस इज पी जेड अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं हमने अक्सर पीयूटी में देखा अपने जो बच्चे आते हैं कि तो सर आपने नंबर कैसे काट दिए इस पर मैंने तो पूरा डेरिवेशन ड्राइव किया है जब डायग्राम ही सही नहीं होगा कॉन्सेप्चुअली अगर मिस्टेक होगी डायग्राम में देखो मैंने बताया था आपको यू नो you know, कि जो प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस तो यहां पर जो सरफेस है इस पे जो प्रेशर है वो कैसा दिखाओगे हमेशा नॉर्मल दिखाओगे अगर ये कोई सरफेस है तो ये होगा, होगा। ऐसे देखिए पे अगर प्रेशर लग रहा है, तो अब यहां पर आप नहीं दिखाओगे, इसको ऐसे ऐसे बना दोगे, इसके ऐसे कर दोगे इसको इसको प्रेशर को आप ऐसे दिखाओगे तो नंबर कट जाएंगे आपके ठीक है तो याद रखना कि जो प्रेशर होता है हमेशा नॉर्मल टू दिस सरफेस होता है तो डायग्राम आप सही तरीके से ड्रॉ करेंगे पहली बात दूसरी चीज अब हमको ये देखना है कि भाई इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है की वजह से और एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है अब इन जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे हम उनको कर लेंगे दो डायरेक्शन में दो एक्सिस में एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग अब फोर्स को कैसे रिजोल्व करते हैं ये मैंने आपको सिखाया हुआ है यूनिट नंबर वन बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने वहां पर सॉल्व किए थे चलो देखते हैं यहां पे तो फोर्स होता क्या है प्रेशर के टर्म्स में भाई आपने पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया ध्यान से समझिएगा तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया अगर आपको इस पी वाई की वजह से फोर्स निकालना है तो, तो कितना फोर्स आएगा तो प्रेशर इनटू एरिया अब एरिया कौन सा आएगा कि जिस एरिया पे ये प्रेशर लगा हुआ है बोलो ये सॉर तो ये डायमेंशन कितनी है डी एक्स तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि यहाँ पर जो फोर्स आएगा वाई डायरेक्शन में क्या वो कितना आएगा फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया तो प्रेशर कितना है पी वाई अब ये एरिया कितना होगा ये डायमेंशन कितनी है डी एक्स अब इसकी थिकनेस कितनी मान रखी है भाई ये ऐसे है ना तो ये बताओ कितना प्रेशर होगा ये है आपका दिस इज डी एक्स और ये थिकनेस कितनी है दिस इज थिकनेस मान रखी है आपने यूनिटी तो ये हो जाएगा डी एक्स इनटू 1 आर डिबेटिंग माय पॉइंट यस और नो अब इस डायरेक्शन में कितना होगा फोर्स एफ एक्स लिख लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए तो ये हो जाएगा पी एक्स फोर्स होगा पी इंटू एरिया तो प्रेशर है पी एक्स एरिया कितना होगा ये डायमेंशन आपकी डी वाई और थिकनेस कितनी है वन बहुत सही एक चीज बस यहां पर आप ये और कर लीजिए कि भाई ये जो फोर्स है ये वाई डायरेक्शन में है ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में है अब ये जो फोर्स है ना इस प्रेशर पी जेड की वजह से जो फोर्स आएगा ना तो वो एक्स डायरेक्शन में है ना तो वो, वो वाई डायरेक्शन में है और है कितना ये फोर्स वैसे ये फोर्स आ जाएगा आपका यू नो यहां पर हम लिखेंगे एफ जेड दैट विल बी इक्वल टू पी जेड और ये एरिया कैसा आएगा ये तो हो गया प्रेशर एरिया कितना आएगा तो डी एस इंटू वन अब ये जो फोर्स है ना ये फोर्स के दो कंपोनेंट हमको लेने पड़ेंगे आप लोगों को पता है यूनिट नंबर में अगर ये एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है एक में, F cos theta, और दूसरा आएगा वाई डायरेक्शन में F y sin, F, F sin नो? तो यहां पर हमको ये फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं बस अपना काम बन जाएगा चलो जी एक ओके okay, चलो भाई इन फोर्सेस को रिजोल्व करने का प्रयास करते हैं ये जो फोर्स है ना आपका PZ DS अब ये बताओ जरा मुझे क्या मैं इसको लिख पाऊंगा क्या मैं इसको लिख पाऊंगा कि भाई ये जो इसका फोर्स होगा एक कंपोनेंट ये होगा वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा होगा ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा ओके यस और नो अब ये प्रेशर जो लगा हुआ था ये इसके परपेंडिकुलर था तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल कितना होगा क्या ये एंगल थीटा ही होगा अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये जो कॉम्पोनेंट है भाई एंगल के साथ क्या आता है कॉस तो ये कितना हो जाएगा दैट इज पी जेड डी एस लिख लेता हूं इसको वन को छोड़ देते हैं तो पी जेड डी एस और थीटा जो ग्रीन वाला कॉम्पोनेंट मैंने लिखा ध्यान दीजिएगा इसके दो कॉम्पोनेट आएंगे एक होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दैट इज पी जेड डी एस थीटा और एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में दैट डी एस इन टू साइन थीटा अब आपने अब हमारे जो सारे के सारे फोर्सेस हैं या तो वो हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में है, अब इन फोर्सेस को रिजॉल्व करो

अब यहां पर इसका एक कंपोनेंट आया था हॉरिजेंटल में दैट इज पी जेड डी एस कॉस्टिटा और ये तो टूवर्ड्स लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा कितना माइनस के पी जेड डी एस दैट इज थीटा बहुत अच्छा दैट इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन हमने अप्लाई करी दो फोर्स हमको मिले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दोनों का एल्जेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो अब एक काम और कर लें यहां पर आप देख रहे हो यहां पर आप देख रहे हो कि ये डायमेंशन है dx ये 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 डायमेंशन डायमेंशन है 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 dy ds एंगल थीटा तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि व्हाट इज कॉस्ट थीटा एंड व्हाट इज साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा आप सभी जानते हैं कॉस्ट थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो ये एंगल है थीटा इसके सामने होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बेस कितना है डी वाई और हाइपोटेनियस कितना है डी एस तो यहां से हम लिख सकते हैं तो डी वाई इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा डी एस कॉस थीटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना इसी तरह से साइन थीटा को भी लिख लो बाद में काम आएगा साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है दैट इज डी दैट इज डी और हाइपोटेनियस कितना है द डी तो यहां से आपको डी एस uh, बताओ कितना मिल जाएगा दैट इज डी एस साइन थीटा यस और नो यस माय डियर स्टूडेंट्स अब चलो आ जाओ यहां पे आ जाओ यहां पे आ जाइएगा तो यहां से बताओ क्या लिख सकते हो इसको आप दैट इज यू नो पी एक्स इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पी जेड डी कॉस थीटा यहां से देखो जरा डी एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो डी वाई इस डी एस कॉस थीटा को क्या हम डी लिख सकते हैं बोलो यस और ना यस माय डियर स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा आपका पी जेड इन तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमको मिल जाएगा पी पी जेड तो आप यहां पे देख रहे हो कि पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड हमने यहां पर प्रूफ कर लिया है अब हमको पी एक्स पी वाई के बराबर प्रूफ करना है या कह सकते हैं कि पीवाई को पी जेड के बराबर और प्रूफ करना है आधा काम हमारा हो चुका है आधा क्या डायग्राम भी बन चुका है अब तो बस वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो करना है सारा तो हो ही चुका है तो पांच पर दस परसेंट काम और बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं जैसे हमने क्या किया है यहां डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनको जीरो किया है अब बाई डायरेक्शन में करेंगे फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन टू जीरो होंगे ऊपर की तरफ उनको ले लेंगे पॉजिटिव और जो होंगे डाउनवर्ड उनको ले लेंगे negative. तो ये फोर्स तो अपवर्ड है तो प्लस लिखेंगे कितना आ जाएगा पी वाई इन टू डीएक्स है ना अब एक फोर्स ये है देखो यहां पे डाउनवर्ड है पी जेड डी साइन थीटा डाउनवर्ड है ना डाउनवर्ड है तो लिखेंगे माइनस कितना हो जाएगा माइनस पी एंड डी एस साइन थीटा और भी कोई फोर्स लगा हुआ है क्या वाई डायरेक्शन में बोलो यस और नो एक और फोर्स है सर यहाँ पे क्योंकि ये जो फ्लूड एलिमेंट है इसका कुछ मास रहा होगा यस और नो बिल्कुल रहा होगा इसका मास रहा होगा हम्म इसका मास रहा होगा तो यहां पर हम इसको मास को दिखा देते हैं ग्रीन कलर से ठीक है ना भाई जो फ्लूड एलिमेंट है इसका मास है कितना M. तो इसका वेट कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वेट होता है एम जी मास से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा इसका वेट यू नो एम जी और वेट किसी भी बॉडी का हमेशा किधर लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने वेट को यहां पर दिखा दिया है अब एक बात बताओ यहां पर वेट होगा कितना यहाँ पर लिख लेते हैं कितना होगा ये वेट भाई वेट हो गया आपका दैट इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एम और एम कितना होता है अभी हमने पढ़ा था ना रो इज इक्वल टू होता है आपका एम अपॉन वी तो बताओ एम कितना हो जाएगा रो इन टू वी तो एम को लिखेंगे रो इन टू वी और ये कितना है आपका दी है रो है इसकी डेंसिटी

आपको जो वेट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू यहां लिख रहा हूं छोटा-छोटा वेट के w कितना हो जाएगा रो g एरिया हो जाएगा 1/2 बेस कितना है dx और हाइट कितनी है dy तो यहां से हमको वेट मिल चुका है दैट इज 1/2 रो g dx dy तो यहां पर जो वेट है तो इस इक्वेशन में वापस आ जाओ एक बार जल्दी से तो py dx ऊपर की तरफ फोर्स है py dx नीचे की तरफ कितना फोर्स है थीटा, तो, तो माइनस होगा कि नहीं, नहीं होगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ ज्यादा ही कलर मैंने यूज कर लिए हैं लेकिन जो पुराने वाले नोट्स है जिससे आप पढ़ोगे ना उसमें एकदम साफ सुथरे है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा वेट माइनस है ना माइनस कर दो वेट को अब इस वेट की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इस वेट की जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पी वाई डी एक्स माइनस पी जेड डी एस साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा हाफ रो इन टू जी डी एक्स डी वाई अब एक बात मुझे बताओगे दैट इज इक्वल टू जीरो किसके बराबर है जीरो के बराबर है अब क्योंकि जो डी एक्स है दैट इज वेरी स्मॉल एंड डी वाई इज ऑल्सो वेरी स्मॉल जब बहुत छोटी सी क्वांटिटी को आप बहुत छोटी सी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे इतनी छोटी क्वांटिटी जो कि आप सोच नहीं सकते और उसको फिर बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी जिसको आप सोच नहीं सकते तो उनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सोचो कितनी छोटी हो जाएगी वैल्यू वो निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं तो इसका जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं जैसे एक तरफ है दस करोड़ रुपए और एक तरफ है एक पैसा है ना तो उसको निगलेक्ट करा जा सकता है यस yes. दूसरी चीज यहां पर जो डी एस साइन थीटा लिखा हुआ है तो देखो यहां पे डी एस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं तो यहां से हो जाएगा आपका पी वाई डी एक्स इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पी जेड और इसको हम लिख पाएंगे एक्स ये हो जाएगा जीरो है ना तो यहां से आप देख पा रहे होंगे तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि भाई डी एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया तो ये हो गया आपका पी वाई इज इक्वल टू पी जेड यस और नो तो यहां से हम इसको बोल दो इक्वेशन नंबर टू और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर वन कहा गई हाँ जी ये गई तो यहां से इक्वेशन वन से पी एक्स पीजेड के बराबर था जब हमने एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो किया तो हमको मिली इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू पीजेड और जब हमने वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस किया तो हमको इक्वेशन मिली पी वाई इज इक्वल टू पी जेड तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या हम लिख सकते हैं px py के बराबर है दैट इज आल्सो इक्वल टू pz तो px py के बराबर है pz के बराबर है यही तो हमको प्रूफ भी करना था कोई दिक्कत नहीं है कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट अगर है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हम्म श्वेता अच्छा कॉलेज का नाम बता रहे हैं अबे ये भी देख लेना भाई ये जो आईडी होती है ना ये फेक आईडी बहुत सारी होती हैं ठीक है ना हो सकता है कि जैनविन हो और हो सकता है कि फेक भी हो ठीक है तो बहुत सारे लोग आजकल जो है ना फेक आईडी बना बना के मजे लेते रहते हैं इसलिए विश्वास नहीं करने का बुलाती है मगर जाने का नहीं ये किसी का कोई बोलता था ऐसे पहले आई ई आर टी से हूं चलो भाई आगे चलें नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए डेरिवेशन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कई सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे लाइव कब खत्म होगा ये जैसे लाइव खत्म होगा 1.5 और 2 की स्पीड पर लगाएंगे वीडियो को क्यों इतना समय लगाए मुझे लगता है टाइम भी कुछ ज्यादा लग रहा है क्या ओहो साढ़े दस बजने वाले हैं ज्यादा समय भी नहीं लग रहा है भाई वन शॉर्ट वीडियो है यूनिट नंबर फोर की तो मुझे लगता है कि एक घंटे में और हमारी कंप्लीट हो जाएगी चलो, क्योंकि नहीं है टेक हार्डली टू में करेंगे तो पांच मिनट में कर दोगे डेरिवेशन को समझाने में एक्सप्लेन करने में समय लगता है और एक बार अगर समझ में आ गया डेरिवेशन देन यू विल डिराइव विद इन फाइव मिनट्स ओनली चलो जी, आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन है मान लो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देख लो इसमें बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है पास्कल लॉ के ऊपर अगर आ जाए तो कह रहा है कि एक कार का वेट है सिक्सटीन थाउजेंड न्यूटन प्लंजर एरिया दे रखा है यहाँ पे देखो ये कार होगी यहाँ पे यहाँ पर रखी होगी कार है ना जिसका वेट दिया हुआ है कितना है न्यूटन इसका एरिया दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर रैम का जो एरिया है यहाँ पर एक रैम लगी हुई है जिसका एरिया है फोर सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड कार का वेट यहाँ पे है प्लंजर का एरिया प्लजर तो ये वाला होता है ना तो प्लंजर का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो रैम है This is the RAM. ये RAM है और ये है प्लंजर प्लंजर का एरिया दे रखा है है ना रैम का एरिया भी दे रखा है वॉट इज द इनपुट फोर्स एफ वन यानी इसको बोल दिया है एफ वन क्वेश्चन ये है कि यहां पर कितना फोर्स लगाया जाए एफ वन और एफ टू की वैल्यू यानी कि कार का वेट दिया हुआ है आपको सिक्सटीन थाउजेंड न्यूटन ओके और ये वाला जो एरिया है ना रैम का एरिया रैम का एरिया कितना हो जाएगा आपका ए टू

टू वैल्यू पुट कर दो वैल्यू पुट कर दो एक दो तीन एक दो तीन चार और ये हो जाएगा टू हंड्रेड यानी कि आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू हंड्रेड न्यूटन ओनली देखो भाई सोलह हजार न्यूटन की कार है सोलह हजार न्यूटन की कार है कार का वेट कितना है सोलह हजार न्यूटन उस कार को लिफ्ट करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा केवल 200 न्यूटन तो प्लंजर पे आप 200 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और सोलह हजार न्यूटन वेट की कार जो है वो लिफ्ट हो जाएगी तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पास कर लो कि भाई बहुत छोटा सा फोर्स बहुत ही कम अमाउंट का फोर्स आप लगाते हो और हैवी वेट को लिफ्ट कर पाते हो ठीक है चलो तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट चलो जी नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्टिनिटी इक्वेशन

इक्वेशन मतलब क्या हुआ लिक्विड भी, भी, भी हो सकता है और ये इसके अंदर गैसेस भी हो सकती है मान लेते हैं कि इसका जो क्रॉस एक्शन है यह क्रॉस एक्शन वन है और यह क्रॉस एक्शन इसका टू है मतलब वन पे एंट्री हुई और टू पे इसकी एग्जिट हुई तो मास कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि भाई इस पाइप के अंदर जो फ्लूड फ्लो हो रहा है तो जितना मास इसके अंदर एंटर करेगा उतना ही मास एग्जिट होगा मतलब इस पाइप में ना तो मास को ऐड किया जा रहा है और ना ही मास इस पाइप से बाहर निकल रहा है जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास बाहर निकलेगा ना तो मास इस पाइप के अंदर से मतलब इन बिटवीन इन इन तो होगा एग्जिट होगा लेकिन इन इस पाइप के बीच में कहीं भी कोई मास ना तो बाहर आएगा ना ही इसमें ऐड करा जाएगा दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास है ना मान लो यहां पर जो डेंसिटी है एरिया ए वन है और इसकी जो वेलोसिटी है वो वी वन है यहां पर इसकी डेंसिटी rho2 है एरिया A2 है और वेलोसिटी इसकी V2 है तो ये कहना चाह रहा है कि जो मास फ़्लोरेट है यानी कि 1 पे 1 पे जो मास फ़्लोरेट रेट है m1 डॉट वो 2 पर भी होगा जितना मास फ़्लोरेट रेट यहां पर है उतना ही मास फ़्लोरेट रेट यहां पर भी होगा यही तो कहा उसने द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड तो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड मतलब कितना मास फ्लो हो रहा है और पर सेकंड यानी कि पर यूनिट टाइम है ना अभी हम इसकी मास की यूनिट क्या होती है केजी बोलो यस और नो मास होता है केजी तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा एम डॉट दैट इज के पर सेकेंड तो यहाँ पे हो जाएगा रो वन ए वन बी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू ये क्या है आपका दैट इज मास फ्लो रेट एट क्रॉस सेक्शन वन एंड दिस इज मास फ्लो रेट एट क्रॉस सेक्शन टू यानी के जी पर सेकेंड जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर भी होगा अब इसकी यूनिट भी चेक कर सकते हैं आप क्या के जी पर सेकेंड आ रहा है देखो डेंसिटी क्या होती है दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब बिल्कुल एरिया क्या क्या होता है क्या है मीटर मीटर स्क्वायर वेलोसिटी होती पर सेकेंड तो देखो यहां पे ये मीटर क्यूब है ये मीटर ये मीटर स्क्वायर तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से के जी पर सेकेंड तो बोलो यस और नो के जी पर सेकेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है के जी पर सेकेंड तो जितना मास फ्लोरेट यहां पे होगा उतना ही मास फ्लोरेट यहां पे होगा दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास एंड यही है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन तो ये जो इक्वेशन बन के आई है हमारी यही कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है यही क्या है हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है नौ अगर मान लो ये जो रोहबन और रोहटो की वैल्यू बराबर हो जाए यानी कि इनकी डेंसिटी ही चेंज ना हो एक्चुअली जो गैसेस होती हैं जो गैसेस होती हैं वो होती हैं कंप्रेसिबल इन नेचर उनकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होती है लेकिन जो लिक्विड होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है constant होती है तो ये तो हो हो गई इक्वेशन हमारी किसके लिए 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 कंप्रेसिबल के के जिसकी डेंसिटी चेंज सकती है यानी कि गैसेस अगर मान लो रोवन की वैल्यू क्या हो जाए रोटू के बराबर हो जाए यानी कि लिक्विड अगर सब्सटेंस है तो रोवन रोटू कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वेशन रह जाएगी ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू नाउ दिस इज द इक्वेशन विच इज वैलिड ओनली फॉर

जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे नेक्स्ट आता है आपका एक क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन अभी तक तो नहीं आया एग्जाम में लेकिन हम हर बार करा देते हैं इसको तो जिसको न्यूमेरिकल करने में इंटरेस्ट ना आ रहा हो तो वो ना करके जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन हम तो सेफ साइड में लेकर के चलते हैं तो ये कह रहा है डायमीटर क्योंकि दो पेपर आपके आसान आ चुके हैं और एकेटी में जनरली ऐसा देखा गया है कि एक या दो पेपर जनरली एक पेपर टफ आता है अब कौन सा टफ आ जाए हमको नहीं पता है ठीक है ना तो पहले आपको अगर तैयारी करनी है मैकेनिकल की तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए आपको थ्योरी करो डेरिवेशन करो क्योंकि डेरिवेशन फिक्स रहते हैं पास कर लो डेरिवेशन आएगा या तो आप कर पाओगे आएगा तो कर ही उसको क्योंकि दो तीन बार प्रैक्टिस करके जाओ डेरिवेशन तो फिक्स तो होता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं पता होता कौन सा आएगा लेकिन अगर मान लो न्यूमेरिकल्स ज्यादा आगे तब क्या करोगे तो न्यूमेरिकल जिस बच्चे ने बिल्कुल छोड़ रखे हैं कभी देखे ही नहीं न्यूमेरिकल तो लंका लग जाएगी बोलो ये और नो अगर मान लो किसी बच्चे ने न्यूमेरिकल करे हैं कम से कम उसको बेसिक आइडिया तो है न्यूमेरिकल करने का तो वो अगर मान लो डेरिवेशन थ्योरी कम का न्यूमेरिकल अगर ज्यादा हो गए तो वो कम से कम न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट तो करेगा मान लीजिए क्वेश्चन मान लीजिए उसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं है पार्शियली करेक्ट है स्टेप मार्किंग तो होगी सात नंबर का अगर अगर न्यूमेरिकल है मान लो आपने कोई जो फॉर्मूला लिख दिया आपने डायग्राम बना दिया आंसर आपका ठीक नहीं आया मान लो तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं स्टेप मार्किंग होती है न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं कि अगर आपका न्यूमेरिकल में आंसर ठीक नहीं हुआ तो पूरा जीरो मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है ठीक है चलो तो क्वेश्चन सिंपल सा है बता देता हूँ कैसे हो जाएगा ये द द डायमीटर ऑफ पाइप एट दिस सेक्शन एंड आर दायामी सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो भाई ऐसा है कि एक तरफ डायमीटर कम है दूसरी तरफ डायमीटर ज्यादा है इसको मान लो क्रॉस सेक्शन इसको मान लो क्रॉस सेक्शन टू और फ्लूड का जो फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है आपका डी वन यहाँ का डायमीटर दिया हुआ है आपका लेट मी चेंज द कलर है ना थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं ठीक है ठीके? लेकिन आप एग्जाम में थोड़ा सा साफ सुथरा लिख करके आना भाई जैसे गुलसन सर लिखते हैं ना एकदम बेहतरीन राइटिंग गुलसन सर से सीखना राइटिंग मेरी राइटिंग तो बहुत खराब है ठीक है मैं समझा पाता हूँ राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप कंपेयर करनी है तो गुलसन सर के साथ करनी है तो डी वन डी वन की वैल्यू दे है हाँ जी डी वन की वैल्यू गिवन है बोलो और नो डी टू की वैल्यू पे गिवन है ये रहा डी वन और ये रहा ये रहा डी टू और क्या कह रहा है पाइप

तो ये आपसे पूछ रहा था यहाँ पर कि डिस्चार्ज कितना होगा तो डिस्चार्ज एट क्रॉस सेक्शन वन और क्रॉस सेक्शन टू पे बराबर ही होगा तो निकाल सकते हैं इसकी क्या वैल्यू बोलो यस और नो तो a1 v1 तो यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको तो a1 की वैल्यू मिल जाएगी pi by 4 d1 स्क्वायर देखो डी वन की वैल्यू आपको दे रखी है टेन सेंटीमीटर तो ए वन मिल जाएगा यहां पर वैल्यू पुट करो बी वन की वैल्यू भी दे रखी है तो आपको यहाँ से क्यू मिल जाएगा यानी कि डिस्चार्ज मिल जाएगा फिर उसके बाद ए वन बी ए वन ए टू सॉरी ए वन बी वन इज टू एगाओ ए टू की वैल्यू मिल जाएगी आपको ए टू कहाँ से आ जाएगा फाइव बाई फोर डी टू स्क्वेयर क्योंकि डायमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है डी टू कितना है फिफ्टीन सेंटीमीटर बोलो हो तो 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 भी 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 पता 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 है A2 भी पता है 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 मिल जाएगा अगर <coughs> तो अगर आपको पता है, continuity अगर आपको याद है, और आई हुई एग्जाम में तो numerical भी आप solve कर सकते हो। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन दिखने में तो खतरनाक लग रहा होगा लेकिन अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता है कॉन्टीन्यूट इक्वेशन लगानी आती है तो बड़े आराम से कर दोगे एक पाइप है यहाँ पे वन और एक पाइप यहाँ पे टू और ये पाइप थ्री है पाइप से पानी आ रहा है पाइप वन से पाइप टू से पानी आ रहा है और वो मिल करके यहाँ पर इकट्ठा होकर के पाइप थ्री से निकल जा रहा है तो मान लो ये यह डिस्चार्ज यहाँ से कितना आ रहा है वन यहाँ से क्यू टू आ रहा है और ये मिल करके बन जाता है क्यू थ्री मतलब क्यू वन क्यू टू को लिख सकते हो कितना क्यू वन प्लस क्यू टू यहाँ से कुछ पानी आया यहाँ से कुछ पानी आया और वो एक सिंगल पाइप में चला गया दैट इज इक्वल टू क्यू थ्री यहाँ से क्यू वन आया यहाँ से क्यू टू मिल हो गया क्यू थ्री अब क्यू वन कितना होगा ए वन Plus Q2 कितना होगा ए टू बी टू और ये कितना हो जाएगा ए थ्री बी थ्री अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फाइव वन टू थ्री का डेटा एरिया ए वन दिया हुआ है ए टू दिया हुआ है ए थ्री दिया हुआ है ये सब मीटर स्क्वायर में दे रखा है आपको वेलोसिटी बी वन दे रखी है वी टू दे रखी है और वी थ्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो यहाँ से केवल यही आपको V3 नहीं पता है जो कि आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक टू आ जाएगा सॉल्व कर लीजिएगा बहुत सिंपल है

हम क्या पढ़ने वाले हैं पेल्टन टर्बाइन और फ्रांसिस टर्बाइन इसमें थ्योरी है तो अगले 20-25 मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसी प्रोकेटिंग पंप पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना तो थ्योरी है इसके अंदर पूरी कोई न्यूमेरिकल नहीं है पेल्टन टर्बाइन का क्वेश्चन ऑलरेडी दस नंबर में आ चुका है है ना टेन मार्क्स में आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन इसका रेसी पंप का भी टेन मार्क्स में ऑलरेडी आ चुका है चलो देखते हैं इसको वन बाई वन ये तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग शायद कर ही दिए होंगे अब तक ठीक है चलो एक सेकेंड ये डोर क्लोज कर दिया जाए थोड़ा सा एक बार थोड़ा चैट बॉक्स भी देख लीजिए क्या चल रहा है इसके अंदर हम्म उसके बाद इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं अरुण कुमार थैंक यू सर यू आर मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स जय श्री राम जय माता दी क्या भाई कंटिन्यू करें चैट बॉक्स में एक बार बताइएगा कंटिन्यू करें यस और नो थक गए हो क्या पेपर दे के बस अब जो है मार्च मार्च की बात है चौबीस अट्ठाईस और इकतीस बेसिकली अट्ठाईस में जो है मैथ का पेपर हो जाएगा आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है अट्ठाईस के बाद तो चार पाँच दिन तो पढ़ाई करनी है तो जम के पढ़ाई करो अजीत कुमार गुप्ता बीबीडी लखनऊ ओके गुड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास बीबीडी लखनऊ के हैं मुस्कान यस सर हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो पाँच सात दिन की बात है उसके बाद मौज मस्ती करनी है आप लोगों ने लास्ट में तो पढ़ते हो आप लोग चलिए ठीक है, है। आदित्य नंदन यस ओके okay. सब लोग एकदम मन लगा के पढ़ो मेहनत से पढ़ो पाँच छः दिन पढ़ना है उसके बाद ये समझो कि मौज मस्ती करनी है है ना जो लोग हॉस्टल में रहते हैं घर से दूर वो अपने घर जाएंगे दस पंद्रह दिन में आना आराम से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका जो नेक्स्ट वाला सेमेस्टर है वो मिड अप्रैल के आसपास ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग जो है अपने एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट वीक में ही क्लासेस को स्टार्ट करेंगे बहुत ही छोटा सेमेस्टर होने वाला है ये है ना जो गलतियां इस सेमेस्टर में कर दी हैं उनको रिपीट नहीं करने का बिल्कुल भी चलो चलो कंटिन्यू करते हैं इसको और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा है ना जल्दी से चैट बॉक्स में अपना जो भी कोई क्वेश्चन है लिख दीजिएगा कुछ भी पूछना है आपको मेरे से किसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स वी विल कंटिन्यू सर फिफ्थ यूनिट कब होगी देखो भाई ऐसा है मैं कल भी सो नहीं पाया था बाकी के सब्जेक्ट भी देखने होते हैं गुलशनसर की जो पी पी टीज हैं वो तैयारी चल रही है जोर शोर पे क्योंकि गुलशन सर इज गोइंग टू टेक योर क्लासेस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कराने वाले हैं लाइव में है ना चौबीस को है ना चौबीस को क्योंकि चौबीस को आपका एग्जाम हो जाएगा जो लोग पीपीएस दे रहे हैं पीपीएस का एग्जाम हो जाएगा मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल का एग्जाम हो जाएगा ठीक है ना उसके बाद यू नो ट्वेंटी फोर्थ को वो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे पी वाइप की यूज यानी कि दो हजार बाईस वाला दो हजार बाईस वाला उसके बाद पच्चीस तारीख को आपको सॉल्व कराएंगे दो हजार इक्कीस वाला लाइव सॉल्यूशन चलेगा आपका क्योंकि उसके बाद इसी तरह से हम रिवर्स में चलेंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसको पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद उसके पहले बार इस तरह से हम चलते जाएंगे राइट और पूरा का पूरा सिलेबस सर ने जो है एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराया था और यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर फाइव यूट्यूब में अवेलेबल कराई थी सर ने एंड नेक्स्ट उसके बाद वन शॉट रिविजन में एकदम गजब का एकदम धमाल कर दिया बच्चों ने बहुत उसको जो है मतलब सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सर का जो पढ़ाने का तरीका है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में भी पूछ रहे थे और यू नो यूट्यूब में व्हाट्सएप पे कई बच्चों की तो कॉल भी आ रही थी कि सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स टू कब आ रहा है तो फर्स्ट वीक में जो है मैथमेटिक्स टू आ जाएगा स्टार्ट हो जाएगा है ना गुलशन सर ही पढ़ाएंगे इसमें कोई डाउट नहीं है गुलशन सर ही पढ़ाएंगे इसमें कोई डाउट नहीं है चलो इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती है देखो यहां पर हाइड्रोलिक का मतलब वाटर से है है ना हाइड्रोलिक का मतलब यहाँ पे वाटर से है तो हाइड्रोलिक मशीन्स आर दोज मशीन्स विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं या फिर वाइस वर्षा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं ऐसी मशीन्स को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक कि भाई हाइड्रोलिक मशीन्स आर दोज मशीन्स विच कन्वर्ट्स आ हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी अब ये हाइड्रोलिक एनर्जी का मतलब क्या होता है तो एनर्जी बाय वाटर वाटर देखो भाई अब एक हाइट से मान लो फर्स्ट फ्लोर से आपके ऊपर पानी गिराया जाए पिचकारी से मान लो अभी होली से आपने पिचकारी से पानी मारा होगा ना एक दूसरे के ऊपर तो चोट कम लगेगी अगर ज्यादा हाइट से पानी गिराया जाए ऊंचाई पे से तो और ज्यादा चोट लगेगी और ऊपर से गिराओगे और ज्यादा चोट लगेगी मतलब पानी जितना हाइट पे होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक एनर्जी नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है अगर कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है अगर कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है तो वो है मैकेनिकल एनर्जी जैसे आईसी इंजन में पढ़ा था आपने क्रैंक शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट अगर रोटेट करती है तो वहां पे कौन सी एनर्जी मिलती है मैकेनिकल एनर्जी लेकिन यहां पर आईसी इंजन की बात नहीं होगी टरबाइन की बात होगी तो टरबाइन की शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो हमको टरबाइन से क्या मिल जाएगी मैकेनिकल एनर्जी तो पावर प्रोड्यूस्ड एट द शाफ्ट ऑफ टरबाइन टरबाइन की शाफ्ट जब रोटेट हो रही होगी तो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही होगी तो अल्टीमेटली यहां पर दिस इज द यू नो जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि हाइड्रोलिक यानी कि वाटर की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्लांट को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी तो यहां पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहां पर फिर ट्रांसमिशन लाइंस लगी हुई है ये क्या हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाएगी जहां पर भी चाहिए होती है तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक वाटर को आपने देखा होगा जो हिल स्टेशन होते हैं मेरठ के जो स्टूडेंट्स हैं या आस के उन्होंने देखा होगा भोला की झाल है मेरठ में एक जगह वहां पर भी एक टर्बाइन लगी हुई है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है बिजली बनती है पावर बनती है वहां पर ठीक है तो हमने क्या करना है ये जनरली प्लांट वहां लगाए जाते हैं जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है और एक हाइट पे हमको वाटर मिल जाता है जहां पे बड़ी बड़ी नहर होती हैं है ना तो बड़ी बड़ी नहर पे हम क्या करते हैं टरबाइन लगा देते हैं वाटर आ रहा होता है उसको स्टोर करके रखते हैं काफी हाइट तक तो यहाँ पर देखो ये वो जगह है जहां पर हमने वाटर को एक हाइट तक स्टोर किया हुआ है यहाँ पर एक टर्बाइन यहाँ पर एक टर्बाइन लगा दी गई है टर्माइन एक शाफ्ट होती है शाफ्ट के ऊपर इस तरह से ब्लेड लगा दिए जाते हैं लाइक दिस है ना पिछला जो हमारा यू नो लास्ट लेक्चर जब हमने यूनिट नंबर फोर पढ़ा था उसमें एनिमेशन के माध्यम से मैंने दिखाया था जैसा होता है ना आपके बच्चों के खेलने के भी वो आते हैं इस तरह से और यहाँ पर एक यू you नो know, चकरी सी लगी रहती है उसमें फूक मारते हैं ऐसे तो वो घूमने लग जाती है बिल्कुल उसी तरह से है तो हम उसको फूंक मार के घुमाते हैं यहाँ पर उसको पानी गिरा के घुमाएंगे है ना

इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमको मिल जाएगी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी तो ट्रांसफार्मर लगा करके ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से हम उसको क्या कर पाएंगे जहां भी जरूरत है वहां पर सप्लाई कर पाएंगे अपनी सी एफ एल जला सकते हैं फैन एसी कूलर सब चला सकते हैं ठीक है तो एक्चुअली जो पावर प्रोड्यूस होती है कई बार स्टीम की हेल्प से होती है तो उसको स्टीम इस टर्बाइन कहते हैं यहां पर वाटर की हेल्प से हो रही है तो इसको हम यू नो हाइड्रोलिक टर्बाइन कहते हैं चलो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी मशीन्स जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वो हाइड्रोलिक मशीन्स कहलाती हैं। या फिर हमने बताया था आपको कि जो मकैनिक या तो फिर क्या करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन्स भी दो टाइप की होती हैं एक वो मशीन वो हाइड्रोलिक मशीन जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और उन हाइड्रोलिक मशीन को हम हाइड्रोलिक टर्बाइन के नाम से जानते हैं उनको हम टर्न के नाम से जानते हैं अब इसका उल्टा कर दो जो हाइड्रोलिक मशीन मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी उनको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक पंप क्या बोलेंगे उनको हाइड्रोलिक पंप वही बात यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्बाइन के साफ्ट है यहां से पानी आएगा इस नोजल से पानी टकराएगा तो ये शाफ्ट क्या होगी? रोटेट को नीचे से ऊपर ले जाता है यानी कि हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ये किसको मैकेनिकल एनर्जी को तो टर्बाइन क्या होते हैं मैंने आपको ही दिया जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं तो ये एक बार फिर से वो जो डायग्राम था बड़ा मुश्किल सा डायग्राम हो सकता है एक्चुअली ये डायग्राम मैंने इसलिए डाला हुआ है ये मैंने ना लास्ट टाइम इसकी एनिमेशन के माध्यम से मैंने दिखाया था इसको ये अरे कहां गया? ये इसकी ये अरे गया जी एनिमेशन है तो ये तो अभी पीडीएफ के फॉर्म में है तो नहीं चल पाएगा एनिमेशन जो पुराने लेक्चर है उसमें हमने एनिमेशन से समझाया था लेकिन ये डायग्राम नहीं बनाना आपको एग्जाम में ये डायग्राम बना सकते हो अगर आएगा तो आएगा तो ये डायग्राम बनाओगे तो देख लेते हैं इसके एक बार कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ये वाटर है ये डैम होता है कि है ना डैम बनाया जाता है एक यहाँ पे इस डैम की हेल्प से यहाँ पर वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है काफी हाइट तक अब यहाँ पर देखोगे तो टर्बाइन लगी हुई है ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे देर इज अ टर्बाइन इस टर्बाइन को रोटेट कराना है इस टर्बाइन को रोटेट कराना है तो टर्बाइन की शाफ्ट ऐसे होगी एक यहाँ पर आप देख रहे हो पहिया सा लगा हुआ है जिसको हम व्हील बोले कोई अभी आगे आएगा आपका रनर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं रनर और रनर के ऊपर लगे हुए हैं ब्लेड्स अब यहां पर क्या करना है कि इस ब्लेड पर हमको वाटर से स्ट्राइक वाटर स्ट्राइक कराना है तो जैसे ही इसके ऊपर वाटर स्ट्राइक करेगा तो ये ब्लेड <coughs> आगे जाएगा तो ये जो रनर है ये रोटेट करेगा बोला ये सर नो ये कैसे रोटेट कर जाएगा यहां से हमको पानी को यहाँ पे पानी के जो एक जेट वो क्रिएट करना है और सीधा टकराना है मैकेनिकल तो एनर्जी मिल जाएगी जनरेटर से उस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल uh, एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे अब ये तो हो गया आपका डैम ये हो गई आपकी टर्बाइन तो डैम और टर्बाइन के बीच में डिस्टेंस है तो यहां पर जो डैम से वाटर को लेके जाना है तो डैम से वाटर जो कैरी करता है डैम से पानी को पहुंचाने का काम करता है कौन पेन स्टोक तो पेन स्टोक एक चैनल होता है पेन स्टोक एक पैसेज होता है एक चैनल होता है जो वाटर को कैरी करता है डैम से लेकर के टर्बाइन तक डैम से टर्बाइन तक पानी कौन लाता है दैट इज पैन स्टोक बात समझ में आ गई ये चीज है एक चीज बस और ध्यान रख ले यहां पे क्योंकि जब हम क्लासीफाई करेंगे टर्बाइन को तब ये आपके काम आएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा एक और टर्म ध्यान दीजिएगा यहां पर आप देखो यह है आपका हेड्रेस हेडरेस का मतलब है कि जो वाटर यहाँ पे भरा हुआ है तो जो फ्री सरफेस है यहां पे तो यहां से लेकर के यहां तक जो वाटर भरा हुआ है उसको बोला जाएगा ग्रॉस हेड ये इन टर्म्स ऑफ हाइट होता है एच जी एच जी का मतलब हैड ग्रॉस हेड इट मे बी टू हंड्रेड टू फिफ्टी मीटर में होगा राइट right. अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो कि भाई जब पानी यहां से चलना स्टार्ट होगा इस पाइप के अंदर आएगा तो इस पाइप के अंदर जिसको हम पेन बोल रहे हैं तो इस पाइप के अंदर जब पानी चलेगा तो फ्रिक्शन होगा पानी और पाइप के बीच में यस और नो वाटर जब फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर चैनल के अंदर तो एक फ्रिक्शन होगा वहां पे फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस तो होंगे फ्रिक्शन लॉस इन टर्म्स ऑफ हेड अगर कहें उनको तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन हेड क्या कह सकते हैं इसको हम फ्रिक्शन हेड मान लो यहां पे हेड फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर हेड कितना अवेलेबल था HG की वैल्यू कितनी थी फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल हंड्रेड यूनिट यानी कि हंड्रेड मीटर मान लेते हैं अब इसके अंदर कुछ लॉसेस हो गए मान लो टेन मीटर के लॉसेस हो गए कितने लॉसेस हो गए टेन तो यहां से यहां तक जब आएगा वॉटर तो वॉटर का जो हेड होगा वो कितना होगा नेट हेड क्या बोल देंगे इसको हम नेट हेड या बोल दिया जाएगा उसको नेट तो जिसको बोला जाएगा देखो यहाँ पर दो तो मीटर तो भी हो सकते हैं तीन मीटर भी हो सकते कई बार निगलेक्ट भी कर देते हैं इसको तो यहाँ पर जो नेट हेड बचेगा हमारे पास जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी यानी कि जिससे हमारी टरबाइन रोटेट करेगी उसको हम नेट हेड बोल रहे हैं तो नेट हेड कितना हो जाएगा नेट हेड हो जाएगा ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शन हेड यानी कि ये हो जाएगा 100 मान लो वो 10 माना था आपने तो ये हो जाएगा आपका 90 मीटर तो जो नेट हेड मिलेगा आपको जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जिसको यूटिलाइज कर पाओगे दैट इज कॉल्ड नेट हेड हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन अब जहां पर ये वाटर डिस्चार्ज होता है टर्बाइन से टकराएगा टर्बाइन से टकराएगा पानी नीचे गिर जाएगा ये तो जहां पर ये पानी डिस्चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड ठीक है? है है आगे बढ़ें? अब आता है आपका classification of turbine, syllabus में लिखा हुआ है, classification of turbine, और और मेरे ख्याल से uh, pump का classification और का क्लासिफिकेशन पहले ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चंस में आ चुका है तो ध्यान से देखिएगा इसको तो कई तरह से हम टर्बाइन uh, को क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे हमने आईसी इंजन को भी क्लासिफाई किया था कई तरीकों से तो पहला जो तरीका है इसमें

रिएक्शन टर्बाइन तो ध्यान से देखना इफ एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल अगर टर्बाइन के इनलेट पे केबल और केबल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो वो इंपल्स टर्बाइन है कौन सा टर्बाइन है इंपल्स और पेल्टन टर्बाइन इसका एग्जांपल है अगर आपसे पूछ लेगा कि पेल्टन टर्बाइन क्या होता है तो वो इंपल्स टर्बाइन का ही एग्जाम्पल है इम्पल्स टर्बाइन की वर्किंग पूछेगा या पेल्टन की पूछेगा एक के आंसर लिख आ सकते हो दूसरा अगर टर्बाइन के इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी भी है काइनेटिक एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है और प्रेशर एनर्जी भी है अगर दोनों एनर्जी काइनेटिक और प्रेशर दोनों एनर्जी टर्बाइन के इनलेट पे अवेलेबल हैं तो ऐसे टर्बाइन कहलाते हैं रिएक्शन टर्बाइन है ना तो जो आपका इम्पल्स टर्बाइन है यहाँ पे केवल और केवल के के काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होगी और जो रिएक्शन टर्बाइन है

कि अगर फ्लो हो रहा है टेंजेंशली फ्लो तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है शायद मैंने वो डायग्राम यहां से हटा दी हाँ ये रहे देखो यहां पर जो वाटर फ्लो हो रहा है ना वो टेंजेंशली हो रहा है ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं सिर्फ समझाने के लिए होते हैं कई स्टूडेंट्स को भी बनाने लग जाओ इनको पूरा डिजाइन बना के आ जाओ है ना तो ये अगर वाटर फ्लो हो रहा है टेंजेंशियली तो वो टेंजेंशियल फ्लो है है ना अगर वाटर फ्लो हो रहा है एक्सली तो एक्सल फ्लो ट्रवाइन है और कई बार ऐसा भी होता है कि वो मान लो रेडियली इन हो रहा है और बाहर निकल रहा है पानी जो है वो एक्जली तो हो जाएगा मिक्सड फ्लो बात समझ में आई जैसे यहाँ पर एक्सली हो रहा है इस एक्सिस के वाटर एंटर हो रहा है तो ये टेंजेंसली फ्लो हो रहा तो फ्लो टर्वाइन है यहाँ पर देखो रेडियली इन हो रहा है एक्सली आउट हो रहा है तो ये मिक्सड फ्लो टर्वाइन है तो देखो यहाँ पे अगर टेंजेंसल फ्लो होगा तो टेंजेंसल फ्लो टर्बाइन पेल्टन टर्वाइन इसका एग्जाम्पल है रेडियली अगर फ्लो हो रहा है तो फ्रांसिस टर्बाइन का एग्जाम्पल है अगर वाटर एक्जली फ्लो हो रहा है तो एक्जल फ्लो टर्बाइन कहलाएगा इसका कापलान एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है मिक्सड फ्लो का मतलब है कि एंटर हुआ टेंजेंशली और एग्जिट हुआ एक्जली है ना तो ये मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन का एग्जाम्पल है आगे देखते हैं और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी हेड अवेलेबल एट दी इनलेट ऑफ टर्बाइन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि टर्बाइन के इनलेट पर कितना नेट हेड अवेलेबल है जैसे बताया था ना ग्रॉस हेड 100 था तो वहां पे कितना अवेलेबल होता है तो कितना हेड अवेलेबल है के इनलेट पर उसके हिसाब से भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे हाई हाई अगर हेड हेड ज्यादा है तो हाँ इसकी भी एक रेंज होती है कि 200 से लेकर के 250 मीटर तक इस तरह से तो वो रेंज याद करने की जरूरत नहीं है बस इतना समझ लीजिए अगर हेड ज्यादा है तो हाई हेड टर्बाइन अगर हेड कम है तो लो हेड टर्बाइन और हेड अगर बहुत ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है तो वह आ जाएगा आपका मीडियम हेड टर्बाइन

जिसका हेड ज्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक स्पीड कम होगी देखो यहां पे हाई हेड टाइन पेल्टन ट्रवाइन कौन सा है ये हाई हेड है तो पेल्टन ट्रवाइन की स्पीड क्या होगी कम होगी तो ये देखो पेल्टन किसका एग्जांपल है लो स्पेसिफिक स्पीड यहां पर देखो कैप्लान टर्वाइन जो है उसका हेड लो है तो कैप्लान टर्वाइन का जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी और ये जो फ्रांसिस टर्वाइन है ये मीडियम हेड है तो मीडियम स्पेसिफिक स्पीड भी होगी इसकी ऐसे आप याद रख सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उसका हेड कम होगा नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑफ शाफ्ट शाफ्ट टरबाइन टरबाइन की जो shaft होती है उसकी पोजीशन कैसी है अगर वर्टिकल है तो वो कहलाएगा आपका वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन अगर हॉरिजेंटल है ऐसे है तो हॉरिजेंटल शाफ्ट टरबाइन जैसे आपने देखा यहां पे जैसे आपने यहां पे देखा कि शाफ्ट की टरबाइन कैसी है हॉरिजेंटल तो ये टल टर्बाइन होगा ये शाफ्ट के टर्बाइन कैसी है वर्टिकल तो ये वर्टिकल है तो पेल्टन टर्बाइन एक ऐसा टर्बाइन है जिसकी शाफ्ट कैसी होती है वर्टिकल, बाकी सब की वर्टिकल होती है है ना तो पेल्टन टर्बाइन शाफ्ट, शाफ्ट अच्छा जो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये आ, मतलब जिन्होंने इनको बनाया था हाँ तो उनके नाम पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ने 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 बनाया 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 था था तो तो पेल्टन, पेल्टन एक का नाम है है तो या पेल्टन कह सकते हैं. ठीक इंपॉर्टेंट और किस तरह से इसमें क्वेश्चन में धोखा लगा था लास्ट टाइम बच्चों को ये दो हजार इक्कीस बाईस में क्वेश्चन आया था दस नंबर में कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन टर्बाइन तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता था कि वो इम्पल्स का एक्साम्पल है तो ये पेल्टन के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन या फिर इम्पल्स के नाम से भी आ सकता है ध्यान दीजिएगा अगर बोलेगा वो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इम्पल्स टर्माइन तब भी आपको यही लिखना है पेल्टन बोलेगा तब भी आपको यही लिख के आना है पेल्टन व्हील भी कह सकता है इसको पेल्टन टर्बाइन भी कह सकता है तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग देख लीजिए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई इसके कौन कौन से मेजर कॉम्पोनेट्स होते हैं मेन कॉम्पोनेट्स नॉजल होती है इसके अंदर फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस होता है रनर होता है बकेट्स होते हैं और इसके अंदर एक केसिंग होती है देखो कंस्ट्रक्शन किस तरह का है कि भाई ये तो हो गया आपका एक टर्बाइन की शाफ्ट यहां पर लगा हुआ है एक आपका यू नो रनर ये जो एक पहिया होता है ना ये पहिया जो है यही है रनर तो ये क्या होता है आपका रनर कि रनर एक व्हील होता है विच कंसिस्ट सीरीज ऑफ ब्लेड्स जिसके ऊपर क्या लगे रहते हैं ब्लेड्स लगे रहते हैं या बकेट्स लगे रहते हैं बहुत सारे इस तरह से पूरी सीरीज होती है बात समझ में आती है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन स्टोक है पेन स्टोक का काम क्या है कि यहाँ पर जो डैम रहा होगा जहां से वाटर को लेके आना है तो वाटर आएगा इसमें यहाँ पर टर्बाइन तक वाटर को पहुंचाएगा तो पेन स्टोक क्या होता है एक पैसेज होता है जो वाटर को कैरी करता है डैम से टर्बाइन के इनलेट तक अच्छा जब इस पेन स्टोक से वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पर एक नोजल लगा दी गई है तो क्या करती है ध्यान दीजिएगा तो नोजल एक ऐसी डिवाइस होती है जो वेलोसिटी को वाटर की बढ़ा देती है क्योंकि अगर यहां से जब वाटर निकलेगा ये और हाई वेलोसिटी से वाटर टकराएगा स्ट्राइक करेगा तो इसकी जो वेलो जब हाई वेलोसिटी से वाटर टकराएगा तो टर्बाइन जो है वो काफी तेज रोटेट करेगी बोलो ये सवार तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी जैसे आपने देखा होगा जब हम पाइप से जब प्लास्टिक के पाइप में जब पानी चल रहा होता है किसी को अगर ऐसे मारना होता है तो हम क्या करते हैं उसको यहां से प्रेस कर देते हैं तो प्रेस कर देते हैं मतलब वहां से एरिया कम कर देते हैं उसका जब एरिया कम करते हैं तो पानी जो है ना वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और चोट ज्यादा लगती है यस और नो तो यहाँ पर आप देखो इस तरह से नोजल बनाई गई है यहाँ पर जो इसका एरिया है वो कर दिया जाता है कम ऐसे पानी ऐसे आ रहा था ऐसे इसका एरिया क्या कर दिया हमने कम कर दिया तो जब उतना ही वाटर जितना यहाँ से आया था और वो कम एरिया से पास होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी बढ़ जाएगी ठीक बात है तो इसलिए हमने नोजल लगा दी यहाँ पर कि इस वाटर की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाए और हाई वेलोसिटी से जब वाटर स्ट्राइक करेगा तो टर्बाइन की जो शाफ्ट है वो ज्यादा तेज रोटेट करेगी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल पाएगी यहाँ पर हैंडवील और स्पियर्स लगे हुए हैं हैंडवील्स ये है ना ये स्पेयर्स है तो देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हमको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कभी ज्यादा होती है कभी तो कम होती है अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी हमको ज्यादा पावर चाहिए होगी तो हमको ज्यादा इसमें पावर प्रोड्यूस करनी है इससे यू you नो know, टर्बाइन से तो जब हम ज्यादा वाटर स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी अगर कम स्ट्राइक करेंगे वाटर को तो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी अब ज्यादा करना है कि कम करना है इस बात किस बात पर डिपेंड करेगा ये तो डिपेंड करेगा कि उस समय लोड कितना है टर्बाइन के ऊपर जैसे गर्मियों में क्या होता है मॉर्निंग में एसी कूलर बंद होते हैं दो बजे तीन बजे दोपहर के टाइम क्या होता है सबके एसी कूलर ऑन हो जाते हैं तो दोपहर के टाइम में जो लोड होगा टर्बाइन का ज्यादा होगा तो उस समय क्या कर सकते हैं वाटर की जो सप्लाई है उसको बढ़ा सकते हैं उस वाटर की सप्लाई को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की हम पूर्ति कर पाएंगे सप्लाई कर पाएंगे अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी बार बार कट लगते रहेंगे क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो कभी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है कभी हमको कम करनी होती है तो लिखा जब इस लिखा रेगुलेटिंग डिवाइस है आप पांच नंबर पे चलाओगे तो फुल स्पीड दो नंबर पे आगा जरूरत के हिसाब से एज पर द रिक्वायरमेंट आप इसकी स्पीड को घटा सकते हो बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर ऐसी आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर फ्रिज है उसमें भी रेगुलेटर लगा रहता है टेम्परेचर को कम ज्यादा करने के लिए ठीक बात है चलो तो ये हो गया हमारा यानी अच्छा अच्छा जी चलो आगे केसिंग क्या है यहां पर आप देख सकते हो ये ये लगी 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 हुई 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 है 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 क्या क्या पे तो कि इसको टर्बाइन को कवर कर लेती है क्या कर लेती है यहाँ पे कवर कर लेती है इसके दो फंक्शन है केसिंग के यहाँ पे एक तो एक्सीडेंट को अवॉइड करती है क्या करती है एक्सीडेंट को ये

एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि ये टरबाइन जो है वो हवा में है मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं यहाँ पे कि पेल्टन टरबाइन एयर में होती है इसलिए टरबाइन के इनलेट से आउटलेट तक कौन सा प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जबकि हम पढ़ेंगे रिएक्शन टरबाइन यानी कि फ्रांसिस टरबाइन जब हम लोग पढ़ेंगे जब हम फ्रांसिस ट्रबाइन पढ़ेंगे तो वो जो ट्रबाइन एयर में नहीं होगी वो पानी के अंदर डूबी होगी किसके अंदर डूब रखी होगी पानी के अंदर तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है वहां पर प्रेशर अलग होता है ठीक है ठीक ना तो ऐसा जो ट्रबाइन होता है यही होता है आपका यू नो पेल्टन ट्रबाइन तो ये आपको नहीं बनाना है वो जो डायग्राम मैंने दिखाया था आपको ये बना सकते हैं से. आगे चलते हैं ये इसके बारे में लिखा हुआ है कई बच्चे इस बात को बोल रहे थे कि भाई यू नो हम लोग सात नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसमें तीन से चार पेजेस लिखेंगे तो ये तो कंटेंट कम रह जाएगा ना कंटेंट जो है डायग्राम एक पे डायग्राम आ जाएगा आपका फिर एक पे तो ये आ जाएगा डायग्राम एक पे ये आ जाएगा आपका ये वाली थ्योरी तो ये थ्योरी मुझे लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कम है ठीक है कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी तरफ से और उसको इलेबोरेट करके लिख देते हैं वो दो पेज अपनी तरफ से इसी के बारे में लिख देते हैं लेकिन मेरे को लगा कि नहीं मेरे को ये ऐड कर देना चाहिए तो इसमें मैंने जो कंटेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है और जो आपको नोट्स मैंने शेयर करे हैं एप्लीकेशन के अंदर भी या फिर व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे ठीक है उसमें मैंने अपडेटेड नोट्स हैं हैं उसमें उसमें ये सारे जो लॉन्ग कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा अगर आप उतना कंटेंट लेकर आएंगे जितना मैंने आप दिया है अपडेट करके तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे ये कंटेंट इनसफिशियंट था थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ट्रवाइन तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिएक्शन ट्रवाइन या फिर फ्रांसिस के नाम से भी आ सकता है या फिर फ्रांसिस के नाम से भी आ सकता है ठीक है इसके कौन कौन से मेन कॉम्पोनेंट है इसके अंदर भी केसिंग है इसके अंदर गाइड मैकेनिज्म है रनर है इसके अंदर और इसके अंदर है ड्राफ्ट ट्यूब ठीक तो यहां पर आप देखो कि भाई जो पहले वाली केसिंग थी मैंने आपको बोला था कि वो हवा के अंदर थी मतलब सॉरी जो पहले वाली केसिंग थी ना वो सिर्फ और सिर्फ वॉटर की को रोकने का काम कर रही थी या एक्सीडेंट को अवॉइड कर रही थी लेकिन यहां वाली जो केसिंग है ना रिएक्शन टर्वाइन की वो स्पाइर शेप में है यहां पर यह हाइड्रोलिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है है ना यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना स्पाइरल केसिंग यहाँ पे देखो ये केसिंग है आपकी तो ये देखो ऐसे ऐसे आ रही है ना इस तरह से तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एरिया ज्यादा है और धीरे धीरे यहां पर एरिया कम होता चला गया है बोलो यस और नो क्योंकि इसका एरिया क्या हो रहा है यहां पे कम हो रहा है तो आप इसमें इक्वेशन जब लगाएंगे तो आप फील कर पाएंगे कि ये हाइड्रोलिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है लेकिन उतना हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं है ना वीडियो लेक्चर बहुत कम लंबा हो जाएगा आगे देखते हैं आपको एग्जाम में क्या लिख के आना एग्जाम ओरिएंटेड रनर यहां पर भी है रनर पहले भी था तो देखो ये जो पहिया आप देख रहे हैं ये एक रनर होता है तो रनर के बारे में क्या, क्या आते हो कि रनर एक wheel होता है एक रनर के जो ब्लेड्स होते, होते हैं पहले भी मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको जो runner है ना ये वाले blades, जो मैं भी बना रहा हूँ इस कलर से ये रनर के ब्लेड्स हैं और ये ब्लेड्स एकदम फिक्स रहते हैं ये मूव नहीं करते फ्लेक्सीबल नहीं होते हैं इस बार क्या होगा जो वाटर आएगा कहां से आता है वाटर स्टोक लेके आता है डैम से ठीक है ना तो पेन स्टोक से जो वॉटर आएगा पहले जाएगा ये पहले जाएगा गाइड वेन्स के पास तो यहां पर देखो लिखा हुआ है गाइड वेन्स यहां पर अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वाला इंपल्स था उसमें एक टाइप के ब्लेड थे यहां पर देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लेड्स दो तरह के ब्लेड्स हैं एक तो रनर के ब्लेड्स जो कि फिक्स हैं ये वाले ब्लेड और दूसरे ब्लेड्स आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लेड्स हैं ब्लू कलर से जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको ये एक ब्लेड्स हैं है ना यहाँ पे दिस दीज आर दी गाइड ब्लेड गाइड वेन्स और नाम से पता लग रहा है गाइड करने वाला गाइड होता है डायरेक्शन देने वाला आपको डायरेक्ट कौन करता है आपका गाइड है ना तो यहां पर जो guide veins है, guide हैं हैं ये करते किसको वाटर को तो पहले जो water आएगा यहां से किसके पास जाएगा? Guide veins के पास जाएगा जाएगा के ये वाटर को guide करेगा water को डायरेक्शन देगा है ना तो वाटर जब यहाँ पे आएगा किसके पास गाइड वेन्स के पास जो गाइड वेन्स होते हैं मूवेबल होते हैं ये इस तरह से मूव कर सकते हैं तो वाटर को डायरेक्ट करेगा जैसे वाटर आएगा यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ये वाटर को ऐसे -एसे. ऐसे 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 डायरेक्ट कर सकता है तो इस तरह से ही वाटर को गाइड करता है इस तरह से वाटर को डायरेक्ट करता है इस तरह से दिशा देता है ताकि वो स्मूथली गाइड वेन स्मूथली जो है रनर के ब्लेड से स्ट्राइक करे बिना किसी जर्क के स्मूथली ठीक है ना बस ये काम होता है किसका? गाइड वेन्स का तो ये हो होगा इसके मेन कंपोनेंट्स स्पायरल केसिंग यहां पर हाइड्रोलिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है और यहां पर जो प्रेशर होता है इसके अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है ये जो टर्बाइन होती है पानी के अंदर डूबी हुई होती है पानी के अंदर देखो यहां पर ये एनिमेशन दिखाया था अभी इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे ये एनिमेशन दिखाया था मैंने जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो लेक्चर थे या फिर यूट्यूब पे भी पढ़े होंगे डिटेल्स वाले लेक्चर तो उससे बहुत अच्छे समझ में आता है ये पूरी की पूरी टर्बाइन जो है वाटर के अंदर डूबी हुई रहती है ये कुछ कंपोनेंट्स हैं लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ जो मैंने आपको नोट्स शेयर करे हैं उसमें और ज्यादा कंटेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आ, कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला भी था कि नोट्स में और भी कुछ हमको एक्स्ट्रा मिल जाए तो ठीक है ना चलिए बस पंद्रह मिनट के और बचिए कितना टाइम हो गया ओके चलिए बस दस पंद्रह मिनट में अपनी क्लास को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं ठीक है तो चलिए तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जिन बच्चों को नोट्स लेने में दिक्कत हो रही है है ना मैं हालांकि शेयर कर देता हूँ पर्सनली बच्चों के बहुत सारे मैसेज आते हैं शेयर करते रहते हैं लेकिन फिलहाल वाट्सएप ग्रुप फुल हो रखे हैं मेरे ख्याल से कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो रखे हैं तो आप लोग गेट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए बहुत हेल्प मिलने वाली है और स्क्रीन पर शायद नंबर अच्छा नंबर आज चल नहीं रहा है एक आपको मिल जाएगा जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं ना सब में स्क्रीन पे एक नंबर चलता है उस नंबर को आप सेव कर लेना कोई दिक्कत आएगी तो उसको बताना फिलहाल जो नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन में एकदम अनलॉक कर रखे हैं सबको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट नो प्रॉब्लम तो लास्ट में जो हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है दैट इज हाइड्रोलिक पंप है ना ये हम पढ़ चुके हैं ये हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोलिक टर्बाइन के बारे में हाइड्रोलिक टर्बाइन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है अब हम पढ़ेंगे क्या सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है तो मैंने बताया था आपको जो हाइड्रोलिक मशीन क्या करती है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है उनको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक पंप के नाम से उनको हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पंप ये वाला डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं है ना इसको आप देख लीजिएगा एक बार चार्ट की फॉर्म में हमको जो पढ़ना है यहाँ पे एक तो रेसिप्रोकेटिंग में आपको पंप पढ़ाने वाला हूं और दूसरा सेंटर पंप तो पहला है हमारा फ्यूगल पंप आई तक शायद नहीं आया लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अभी आपने देखा था ना रिएक्शन टर्बाइन उसी की तरह होता है ये तो आपके घर में भी लगा हुआ है जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है ना टैंक में वो सेंट्रिकुगल पंप होता है ठीक है इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेट होते हैं इम्पेलर होता है इसके अंदर है ना

बारिश पड़ती है पूरा भर जाता है कैंपस अब वहां से पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है बड़ा खराब है तो वहां पे पंप लगा दिए जाते हैं तो पंप क्या करेगा से पानी को निकाल के बाहर पहुंचा देगा है ना कई बार बाढ़ आ जाती है ना तो वहां पे बहुत बड़े बड़े पंप लगाए जाते हैं वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वाटर सम पे जहां से पानी को निकालना है ये हो जाएगा आपका सक्सन पाइप ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये सक्सन पाइप हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी पाइप ये होगा आपका डिलीवरी पाइप ठीक है और यहाँ पर ये इम्पेलर लगा हुआ है दिस इज वॉट इम्पेलर ठीक है ये इम्पेलर हो गया और यहाँ पर वो इस है जहां पर वाटर को क्या करना है डिस्चार्ज करना है अब चलेगा कैसे ये चलेगा कैसे मोटर से चलेगा मोटर लगी हुई है जैसे ही मोटर क्या करेगी तो मोटर क्या करेगी वो इलेक्ट्र जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें मैकेनिकल एनर्जी में मैंने बोला था ना आपको कि जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो समझ जाइएगा मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है तो अल्टीमेटली आप जैसे ही मोटर को ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी जो शाफ्ट की मो, जो मोटर जो की शाफ्ट है वो रोटेट करेगी मोटर के शाफ्ट से पंप की शाफ्ट कपल होती है तो मोटर की शाफ्ट किसको चलाएगी पंप की शाफ्ट को तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है फर्दर हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी कौन करेगा इस काम को पंप ठीक उल्टा होता है जैसे टर्वाइन में क्या था टर्वाइन में हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट हुई थी किसमें मैकेनिकल एनर्जी में किसने करी थी टर्बाइन ने और ये मैकेनिकल एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी थी हमने जनरेटर से यहां उल्टा हो जाएगा मोटर से पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में जाएगी और मैकेनिकल एनर्जी फर्दर हाइड्रोलिक एनर्जी में जाएगी ठीक बात है चलो तो जैसे ही यहां पर क्या होता है इंपेलर की शाफ्ट मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट होती है पंप की शाफ्ट जो है जैसे ही मोटर रोटेट करेगी तो ये रोटेट करेगी तो इसके अंदर क्या होगा एक सक्शन प्रोड्यूस सॉरी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है क्या क्रिएट हो जाएगा यहां पे जैसे ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो इंपेलर के अंदर क्या होगा एक वैक्यूम क्रिएट होगा जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा तो पानी जो है सक्शन पाइप से इसके अंदर जाएगा और प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा पानी जो है डिलीवरी पाइप के थ्रू जहां पर भी डिस्चार्ज करना है ये वाटर वहां चला जाएगा ट्यूब वेल वगैरह आपने देखी होंगी है ना वही सारी चीजें हैं ठीक है ये एनिमेशन था अभी नहीं चल पाएगा ये पुरानी वीडियो में दिखाया हुआ है नेक्स्ट आता है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप ये बिल्कुल आईसी इंजन की तरह होता है आईसी इंजन से पावर मिलती है जबकि यहां पर हमको पावर देनी पड़ती है देखो इसके कौन कौन से होते हैं यू you नो know, एक सिलेंडर होता है यहां पर आप देखिएगा ये एक सिलेंडर है है जैसे डॉक्टर की सिरिंज नहीं होती है, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है डॉक्टर की जो सिरिंज होती है बस फर्क ये है उसको हम हाथ से खींचते हैं जबकि यहां पर जो पिस्टन चलता है वो क्रैंक क्रैंक से चलता है यानी कि मोटर से चलता है ठीक है जैसे आपने क्या करा सिरिंज से पानी को ऐसे खींच लिया दवाई को खींच लिया ऐसे खींचा और फिर उसको ऐसे प्रेस कर दिया तो एक बार खींचेंगे यानी कि उसके अंदर दवाई भरी जाएगी दूसरी बार में वो दवाई को डिस्चार्ज करेंगे दवाई को खींच लिया दवाई को सक किया और उसके बाद उसको खींच दिया जै। जैसे वो सिरिंज होती है तो होगी सिलेंडर तो एक जहां यहां पर देखोगे तो एक सिलेंडर है दिस इज द सिलेंडर उसके अंदर ये एक पिस्टन होता है जैसा आइस इंजन में भी था है ना ये हो गया पिस्टन यहाँ पर आप देखेंगे एक कनेक्टिंग रॉड होती है क्या होती है एक कनेक्टिंग रॉड होती है और ये होती है क्रैंक ये क्या होती है क्रैंक तो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक आइस इंजन में भी थी तो कनेक्टिंग रॉड करती क्या है बेसिकली ये पिस्टन को और क्रैंक को कनेक्ट करती है कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करती है पिस्टन को और क्रैंक को यहां पर आप देख पा रहे होंगे सक्शन पाइप है ये सक्शन वॉल्व है ये डिलीवरी पाइप है दिस इज द डिलीवरी पाइप एंड दिस इज द डिलीवरी ये डिलीवरी वॉल्व है ये डिलीवरी पाइप है तो पानी ये संप है संप से पानी आएगा और यहाँ पर डिस्चार्ज होगा देखो कैसे डिस्चार्ज हो रहा होगा क्या करना होगा इसमें मोटर लगानी होगी यहां पर आप देख सकते हैं ये लगी हुई है क्रैंक इस क्रेंक को रोटेट कराना है वो जीरो डिग्री पे है ये एंगल कितना है थीटा ये जीरो डिग्री है ये जीरो डिग्री है तो जैसे मोटर ऑन अच्छा जब ये जीरो डिग्री पे होगा तो ये पिस्टन इधर की तरफ होगा ये सोर नो इसके सिलेंडर के अंदर पानी नहीं होगा अब जैसे ही आप मोटर ऑन करोगे तो ये क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट करेगी जैसे ये क्रैंक रोटेट करेगी तो ये पिस्टन है ये 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 पिस्टन पिस्टन इधर इधर की तरफ जाएगा जैसे ही ये इधर जाएगा तो जाएगा ये जाएगा जैसे तो पर वैक्यूम क्रिएट हो हो इन सक्शन ओपन और पानी जो है वाटर इसके अंदर एंटर कर जाएगा जैसे ही ये क्रैंक वन डिग्री रोटेट करेगी तो ये पिस्टन जो है वो यहाँ आ चुका होगा और इसके अंदर पूरा पानी भर चुका होगा जब ये जब पिस्टन इधर जाएगा तो डिलीवरी वॉल्व बंद रहेगा अब क्या होगा जब ये क्रैंक फर्दर 180 से 360 डिग्री जाएगी तो ये पिस्टन वापस आएगा ये जो इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाएगा डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा और पानी जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा बात समझ में आती है बिल्कुल डॉक्टर की सिरिंज की तरह है बस यहां पर जो पिस्टन को चला रहा है वहां खींचते हैं यहां पर इसको मोटर चला रही है पिस्टन को कौन खींच रहा है मोटर है ना तो जब ये पिस्टन इधर की तरफ आएगा तो पानी इसके अंदर भर जाएगा जब ये पिस्टन इधर जाएगा तो पानी बाहर निकल जाएगा ठीक है तो एक स्ट्रोक में एक स्ट्रोक में सक्शन होगा वोटर अंदर आएगा फिर दूसरे स्ट्रोक में डिलीवरी होगी ठीक है तो ये आर दी मेन ऑफ पंप है ना येट करता है बेसिकली पंप इसके अंदर तो ये सारी अच्छा इसमें भी फिर शॉर्ट में लिखा हुआ है बाकी नोट्स डिटेल में आपको मिल जाएंगे जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको इसमें भी फिर सिंगल सिंगल एक्टिंग पंप और डबल एक्टिंग पंप होते हैं सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अगर एक सिलेंडर है तो सिंगल तो uh, तो एक्टिंग और डबल एक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है यहां पर आप देखिएगा यह है आपका सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जो कि मैंने अभी डायग्राम पहले दिखाया भी था आपको इसमें क्या होता है एक ही सक्शन पाइप होता है और एक ही डिलीवरी पाइप होता है मतलब एक बार पानी अंदर आएगा दूसरी बार में पानी बाहर जाएगा है ना तो उसमें जो है डिस्चार्ज काफी कम होता है देखो जरा यहाँ पे ये जो है क्रैंक जब ऐसे रोटेट करेगी तो ये पिस्टन इधर की तरफ आ रहा है एरो लगा हुआ है तो यहां से वाटर इसके अंदर जा रहा है तो वाटर पहले इसके अंदर आएगा बाहर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है वाटर अभी जब ये वापिस जाएगा पिस्टन इधर की तरफ तो इसके अंदर पानी आना बंद हो जाएगा और ये वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा केवल एक ही स्ट्रोक में वाटर की डिलीवरी हो रही होगी बोलो ये सर नो जबकि नाम से पता लग रहा है यहाँ पे डबल एक्टिंग रेसी पंप में इसमें क्या होगा दो डिलीवरी पाइप होंगे और दो सक्शन पाइप होंगे है ना अब देखो जब ये पिस्टन इधर की तरफ आ रहा होगा जब ये पिस्टन इधर की तरफ आ रहा होगा तो यहाँ पर सक्शन हो रहा होगा और जो यहाँ पे वाटर भरा हुआ था वो यहाँ से बाहर निकल रहा होगा और जब ये पिस्टन फिर वापिस जाएगा तो यहाँ पर क्योंकि पानी भर चुका है ये जो पानी भर चुका है यहाँ से डिलीवर बाहर डिलीवर हो जाएगा और इस यहां से जो है पानी इसके अंदर एंटर कर जाएगा मतलब जब पिस्टन इधर की तरफ आएगा तो सक्शन यहां पे होगा यहां डिलीवरी हो रही होगी और जब पिस्टन वापस जाएगा तो जहां पर डिलीवरी हो रही थी वहां वहां सक्शन सक्शन होने लग जाएगा और जहां हो हो रहा था तो वहां पर डिलीवरी हो जाएगी मतलब पिस्टन इधर जाएगा तब भी डिस्चार्ज हो रहा है पिस्टन इधर आ रहा है तब भी डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि अगर पिस्टन के दोनों तरफ वोटर है देखो जरा पिस्टन के अगर दोनों तरफ वोटर है तो वो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है ध्यान से देखना देखो इधर भी पानी है इधर भी पानी है तो पिस्टन के दोनों तरफ पानी है तो ये डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है अगर पिस्टन के, के एक ही तरफ पानी है इधर तो पानी नहीं है तो वो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से ये बात समझ गए होंगे टेन मार्क्स में क्वेश्चन आया था नेक्स्ट द लास्ट वन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट तभी यूज करते हैं मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना हो खुद को जाना हो या कोई सामान लेकर के जाना हो तो हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं एंड दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल पास्कल लॉ लॉ है ना मैंने दिया आपको प्रूफ कर दिया है तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ ये भी दो तरह की होती हैं एक डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा होता है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट तो पहले डायरेक्ट एक्टिंग है बहुत सिंपल है डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है एक फिक्स सिलेंडर होता है यहां पर आप देख सकते हैं एक फिक्स सिलेंडर है इसके अंदर क्या होती है एक होती है. है? एक स्लाइडिंग स्लाइडिंग रैम रैम होती है 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 ये ये देख सकते हो क्या इस रैम के ऊपर एक केज होती है ना केज यहाँ पर लिखा हुआ है अब ये केज क्या होती है केज वही होती है ना जिसके ऊपर आप खड़े होके जाते हो सामान रख के ले जाते हो सो केज यू नो ऑन विच द पर्सन में बी स्टैंड और गुड्स में बी प्लेस्ड अब यहां पर देखो ये ग्राउंड फ्लोर दिखा रखा है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो ये काम कैसे करती है पास कल पे ये काम करती है कि भाई आपने आपको आपने जो है स्विच बटन प्रेस किया आपको जाना है मान लो फिफ्थ फ्लोर पे तो वहां से क्या एक सिग्नल जाएगा है ना मोटर के माध्यम से क्या होगा यू नो लिक्विड आएगा कोई ऑयल आएगा यहाँ पे ऑयल जो है अंडर प्रेशर यहाँ पे आएगा और यहाँ पर उस प्रेशर की वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इस रैम के ऊपर और ये फोर्स ये जो रैम है ये जो स्लाइडिंग रैम है सिलेंडर के अंदर स्लाइड कर सकती है ये ऊपर की तरफ जाएगी यू नो ग्राउंड फ्लोर से कहा पहुंच जाएगी फिफ्थ फ्लोर पे आप बाहर निकल जाओ वापस आना होगा आपको आपने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया सिग्नल जाएगा तो यहां पर जो लिक्विड इसके अंदर भर गया था ऑयल जा करके ये लिक्विड बाहर निकलेगा जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा तो ये स्लाइडिंग रैम नीचे आ जाएगी तो आप ये जो केज है वो नीचे आ जाएगी तो सिंपल से इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है अभी तक शायद ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है तो आ सकता है

तो इस इसकेज पे आपको मान लो क्या करना है आपको नीचे जाना है सेकंड फ्लोर पे जाना है या फिर ऊपर जाना है आपको फिफ्थ फ्लोर पे जाना है तो करते क्या है इसमें देखो इस ये जो वायर रोप है यहाँ पे एक पुली और लगी हुई है ये फिक्स पुली है ये पुली जो है फिक्स है एक पुली सॉरी एक पुली यहाँ पर भी लगी हुई है जो कि क्या है मोवेबल पुली है ये मोवेबल पुली है और ये जो यहाँ पे जो रस्सी आ रही थी जो वायर रोप थी वो यहाँ पर रैप हो रखी है इन पुली के माध्यम से यहाँ पर देखो एक सिलेंडर के अंदर यहाँ पर भी एक रैम है दिस इज दी रैम ये रैम है इस रैम अब देखो मान लो आपने क्या करना है आपको यू नो नीचे जाना है सॉरी तो ऊपर जाना है आपको फ्लोर पे मान लो आपको फर्स्ट से आ, थर्ड फ्लोर पे जाना है फॉर एग्जांपल तो हमने क्या करना है स्विच ऑन करोगे जैसे बटन प्रेस करोगे सिग्नल जाएगा तो वहां से जो प्रेशर आएगा लिक्विड आएगा यहाँ से तो लिक्विड जब आएगा तो यहां पर एक प्रेशर लगाएगा बोलो नो, इस रैम के ऊपर तो ये रैम जो है स्लाइड करेगी आगे की तरफ अब इस रैम से क्या जुड़ी हुई है पुली जुड़ी हुई है तो ये पुली इधर जाएगी यानी कि इन दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी ये पुली उधर तरफ की तरफ खिंच जाएगी खिंचेगी कि नहीं पुली तो जब ये पुली उधर की तरफ जाएगी तो वायर रोप है ये खिंचेगी इधर की तरफ तो जब ये वायर रोप जैसे पुली इधर आएगी तो ये वायर रोप नीचे की तरफ जाएगी जब ये वायर रोप नीचे जाएगी तो ये जो केज है ये ऊपर चली जाएगी जोन से फ्लोर पे भी आपको जाना है अब मान लीजिए आपको इस केज केज को नीचे लाना है आपको ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो बटन जैसे प्रेस करोगे सिग्नल जाएगा तो यहाँ पर जो इस यहाँ पर जो ऑयल भर गया था ये ऑयल बाहर निकलेगा तो ये जो केज है ये जो रैम है ये रैम इधर की तरफ स्लाइड करेगी और इन दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी यानी कि जो रस्सी है ये ऊपर चली जाएगी और ये केज जो है नीचे आ जाएगी सो दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेड टाइप ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इसके बारे में बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हमारे नोट्स के अंदर लिखा रहता है बोलो ये सर नो तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा है ना अब बाकी के जो लोग है, की देखने वाले हैं चलिए कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा अदरवाइज क्लास को बाइंड अप करते हैं साढ़े ग्यारह बज गए लगभग तो, दो सवा दो घंटे का लेक्चर हो गया कोई दिक्कत नहीं है पूरी यूनिट भी तो कंप्लीट होगी ना पंद्रह से बीस नंबर आपके कंप्लीट हो गए हैं बाकी चलिए आज हम्म कुछ बच्चे क्वेश्चन लिख रहे हैं मैं देख लेता हूं एक बार ऑल इन वन वन डांस पढ़ने के लिए क्या शॉट इनफ है या नहीं है पूछ रहा हूं ऐसा करके तो वही वन शॉट देखो अभी तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हैं पिछले तीन क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं शायद मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं वो एप्लीकेशन के अंदर भी है व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दी नहीं होंगे तो फिर से कर देंगे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वन शॉट वीडियो से ही आए हैं है ना बच्चों को देखना पड़ता है कि च्वाइस में कौन सा करें दोनों क्वेश्चन आ रहे होते हैं जो चॉइस वाले भी होते हैं वो भी करने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग अच्छे से कर लीजिए बाकी न्यूमेरिकल करने का अगर मन है तो न्यूमेरिकल के जो वीडियो हैं हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं डिटेल लेक्चर उनको भी देख सकते हैं डिटेल आ, उनके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हम प्रोवाइड करा देंगे चलिए और बताइए हेलो सर हाँ आकांक्षा पूछिए क्या पूछना चाह रहे हो आप प्रकाश थैंक यू बेटा थैंक यू सर मैं लेट हो गई थी कोई बात नहीं आप आप इसको अब देख लीजिएगा नो प्रॉब्लम एट ऑल है ना अवेलेबल रहेगी ये और नेक्स्ट चौबीस तारीख से जैसे कि मैंने आपको बताया भी था जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि वन शॉट रिविजन ऑलरेडी क्वेश्चन सर करा चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस बचे हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी तैयार हो चुके हैं जो आपको बीच बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते थे हर लेक्चर में क्योंकि हम पहले प्रोवाइड कराने वाले थे लेकिन तीन चार दिन की छुट्टियां मिल गई उसकी तो थोड़ा सा हमने आइडिया चेंज करके कि मतलब चौबीस तारीख को हम जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं उन सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे राइट right. बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहे वो यूट्यूब के हों एप्लीकेशन के हों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन गुलशन सर आपको लाइव कराएंगे 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम कराएंगे 24 तारीख को फिर 25 तारीख में 2021 का कराएंगे इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलते रहेंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसको हम पहले कराएंगे ठीक है ना तो चौबीस पच्चीस छब्बीस और सत्ताईस में लाइव क्लास में बने रहिएगा और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यूनिट नंबर फाइव का वन शॉर्ट वीडियो मुझे लगता नहीं है टाइम नहीं मिल पा रहा है तीन चार दिन से बहुत ज्यादा सो भी नहीं पाए हैं है ना जितनी तुम लोग मेहनत कर रहे हो ना एग्जाम के लिए उससे ज़्यादा तो मेहनत हम लोग भी करते हैं दो बजे तीन बजे हमारा सोना होता है और गुलशन सर के जो लेक्चर्स हैं अगर जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं कई सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के अंदर हैं उन्होंने देखा होगा गुलशन सर के जो लेक्चर्स हैं वो अक्सर दो बजे तीन बजे साढ़े तीन चार बजे तक अपलोड हुए हैं जब यू नो पूरी दुनिया सो रही होती है ना कोहरे में सो रही होती थी तो दो बजे तीन बजे मैं घर ड्रॉप करके आता था उनको कोहरे में तो बहुत मेहनत लगती है ऐसी बात नहीं है चलिए सुपर चैट भेजा है पढ़ के बता दीजिए ओके चलो तो फिर कल मिलते हैं एक बार बाकी जो कमेंट्स है कल पढ़ेंगे एक्चुअली कई बार बुलावा आ गया मेरा भी है ना बार बार गेट को नॉक करा जा रहा है समझ रहे हो चलिए फिर कल मिलते हैं ना कल मैं क्लास तो नहीं लूँगा ना लाइव क्लास तो नहीं ले पाऊंगा जो हमारी यूनिट नंबर फाइव का कंटेंट है मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा यूनिट नंबर फाइव में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है अटपटांग का सिलेबस है तो मैंने दो मॉडल पेपर आपको दिए हैं उन मॉडल पेपर के हिसाब से आप यूनिट फाइव में से पूरा ना पढ़ते हुए कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ लेना ना है ना खिचड़ी बहुत ज़्यादा है यूनिट नंबर फाइव में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वेटेज उतना ही रहेगा जितना बाकी यूनिट्स का है तो कोई दिक्कत नहीं लेने का सर लव फ्रॉम नेपाल नेपाल से भी देख रहे हैं अच्छा चलिए थैंक यू मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बाकी हम कल भी मिलेंगे एक बार आपके जो एक्चुअली जब क्लास लेते हैं ना तो क्लास में पूरा फोकस रहता है चैट में बहुत ज़्यादा हम नहीं रिप्लाई कर पाते हैं कल मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जो जनरल क्वेरीज हैं बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही हैं मतलब आ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अलग अलग क्या रिप्लाई करें कल आप लोग लाइव में अपने जिस तरह के जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन लगभग नौ बजे नौ से साढ़े नौ बजे आधे घंटे का सेशन रखेंगे आपकी जितने भी जनरल क्वेरीज हैं कितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए और जो है कई बच्चे बोल रहे थे कि ये कि टी जो है जान पूछ के बैक लगा देती है ताकि अट्ठाईस सौ रुपए वो फिर चैलेंज के दें है ना ऐसे करके कुछ कुछ आते रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का कोशिश करेंगे कि आपको कल हम आंसर कर वन शॉट पूछ रहे हैं कि वन शॉट इनफ है बिल्कुल इनफ है नो प्रॉब्लम एट ऑल वन शॉट कर लीजिए कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एग्जाम देने के लिए आ, कोई दिक्कत नहीं आएगी चलो बेटा थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मैं अभी इसको एंड कर रहा हूँ थैंक यू सो मच गुड नाइट गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू जेपी कॉलेज से हैं हर्षित कुमार ओके बेटा जेपी मेरठ, राइट चिराग बोल रहे हैं सर जी थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट एफर्ट बेटा आप लोगों की जो आप लोग कमेंट्स करते हो शेयर करते हो ना बहुत एनर्जी मिलती है सो दैट्स वाई हम लोग रात में भी कई कई घंटे काम कर पाते हैं है ना चलिए कल मिलेंगे फिर नौ बजे राइट right? नौ से साढ़े नौ बजे एक जनरल इंटरेक्शन रखेंगे आप लोग कुछ कुछ सवाल पूछेंगे कुछ कुछ मैं भी आपसे पूछता रहूँगा ठीक है चलो बेटा थैंक यू सो मच वंस अगेन वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू